नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका बुगली लाइव ट्यूब क्लासेस में। दोस्तों, हाउ आर यू ऑल। आज इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बैंडेज। बैंडेज कितने प्रकार के होते हैं? रोलर बैंडेज, टी बैंडेज, स्पाइरल, सर्कुलर या फिगर हेड बैंडेज, डिफरेंट काइंड ऑफ द बैंडेजेस। तो दोस्तों, आज ये सीखने वाले हो कि बैंडेज कितने टाइप के होते हैं, किस किस पैटर्न से बैंडेज अप्लाई किए जाते हैं और उनका प्रोसीजर क्या होता है, क्या सीक्वेंस होती है। तो आज इस क्लास के अंदर मैं आपको इम्पोर्टेंट सिखाने वाला हूँ कि बैंडेज किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। दोस्तों, वेट तो बहुत होगा, कैसा लगा आपको 2 दिन की छुट्टी पा करके? यानी 2 दिन की छुट्टी के बाद आज फिर से क्लास लगी है, तो 2 दिन आपने काफी एंजॉय किया होगा आई होप। आज का जो लेक्चर है फ्रेंड्स, वो बहुत बड़ी क्लास है, करीब हो सकता है 2 से 2.5 घंटे भी मुझे लग जाए इस पूरे लेक्चर को पढ़ाने में। बिकॉज आज का जो लेक्चर होगा वो थ्योरी, इमेज बेस्ड, वीडियो बेस्ड, डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेशन, इन सब फीचर से भरा हुआ लेक्चर होगा। यानी बहुत सी बातें आपको इस क्लास के अंदर सिखाई जाएगी। तो ये सब चीजें जानने के लिए आपको आज पानी की बॉटल लेके बैठना है, राइट? यानी कि आज बीच में ब्रेक नहीं होगा, बहुत बड़ा लेक्चर होगा। तो चलिएगा शुरू करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले पर कुछ इमेजेस देख रहे होंगे, ये इमेजेस डिफरेंट टाइप के बैंडेजेस है दोस्तों। ये देखिएगा, जैसे ये है रिकरेंट टर्न बैंडेज। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि अगर कोई भी नर्सिस वर्ल्ड लॉगिन से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है या जीरो प्राइस एक्सेसरीज में कुछ हेल्पलाइन की आवश्यकता है, तो जस्ट सेंड योर मेल। आप अपनी कंप्लेन लिख करके और इस मेल आईडी पर आप अपना मेल सेंड करिएगा, यहाँ से आपको सोल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड, डेली न्यू कोर्सेज एडेड इन योर वुगली स्टोर ऐप, सब्सक्राइब फॉर द बेटर परफॉर्मेंस। दोस्तों, डेली वुगली ऐप के अंदर नए नए मॉड्यूल्स और स्टडी मटेरियल्स अपडेट किए जा रहे हैं, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें सब्सक्राइब करिए और उनको पढ़ना स्टार्ट करिएगा। देन अब हम टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। ये आप जो सेकंड देख रहे हैं, ये फिगर एट टाइप का बैंडेज है, इस तरह का स्पाइरल बैंडेज है, सर्कुलर टर्न बैंडेज है और स्पाइरल रिवर्स टर्न बैंडेज है। तो यही सारे कुछ एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने वाले पैटर्न के क्वेश्चन से, बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर आते हैं, क्योंकि ये मस्कुलोस्केलेटल का और हॉस्पिटल क्लिनिकल सेटअप का एक बहुत ही यूजफुल टॉपिक होता है साथियों। तो चलिएगा शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम कहते हैं दोस्तों कि बैंडेजिंग का डेफिनेशन। तो बैंडेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वुंड और इंजर्ड पार्ट यूजिंग द वेरियस मटेरियल सच एज द गॉज, इलास्टिसाइज्ड नेट, फ्लैनलन या फिर मुस्लिन। फ्लैनलन या फिर मुस्लिन। दोस्तों, बैंडेज क्या होता है? बैंडेज जस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वुंड और इंजर्ड पार्ट। तो जस्ट फ्रेंड्स, बैंडेज इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वुंड और इंजर्ड पार्ट। किसी बॉडी के इंजर्ड पार्ट को या फिर वुंड को कवरिंग करने के इस पैटर्न को ही बैंडेजिंग कहा जाता है। दोस्तों, बैंडेजिंग के लिए डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स से बने हुए बैंडेजेस अवेलेबल हैं, जो से कि कई प्रकार के बैंडेज हो सकते हैं। जैसे गौज से भी हम बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, इलास्टिसाइज नेट के माध्यम से बैंडेजिंग किया जा सकता है, फ्नेलन होता है और मुस्लिन होता है। ये स्पेशल टाइप के फैब्रिक होते हैं दोस्तों। फ्नेलन जो फैब्रिक है वो थोड़ा सिंथेटिक होता है, और जो मुस्लिन जो फैब्रिक होता है, ये फैब्रिक दोस्तों किस तरह का फैब्रिक होता है? कॉटन फैब्रिक होता है, पूर्णतया कॉटन फैब्रिक होता है। तो डिफरेंट टाइप के फैब्रिक्स के माध्यम से हम अप्लाई करते हैं। ये तुम आज लोग इतने सारे हार्टी हार्ट क्यों भेज रहे हो? इनके माध्यम से
इनके माध्यम से बैंडेजेस अप्लाई किए जाते हैं। तो जस्ट बैंडेजिंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग अ वुंड और इंजर्ड पार्ट को या वुंड को कवर करने का एक पैटर्न होता है बैंडेजिंग करना। बैंडेजिंग कई तरीके से किया जा सकता है, कई मटेरियल्स बैंडेजिंग करने में यूज करते हैं, गॉज का भी यूज किया जा सकता है दोस्तों, या फिर हम कहते हैं सिंपली फ्नेलन या मुस्लिन या फिर जस्ट इलास्टिसाइज नेट, दे कैन बी यूज फॉर बैंडेजिंग अ बॉडी पार्ट। अंडरस्टैंड गाइस? तो डिफरेंट काइंड ऑफ द पैटर्न्स कैन बी यूज्ड। नाउ अब जानते हैं कि बैंडेजिंग के पर्पस क्या होते हैं साथियों, किस पर्पस से बैंडेजिंग किया जाता है। तो फर्स्ट बैंडेजिंग का पर्पस होता है टू सपोर्ट द वुंड, टू इमोबिलाइज अ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन। दोस्तों फ्रैक्चर्ड पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए या फिर डिसलोकेशन वाले पार्ट को इमोबिलाइज करने के लिए, जैसे हम कहते हैं कि एक बोन दूसरी बोन से डिसलोकेट हो जाती है, तो फिर उसको इमोबिलाइज करने के लिए उसका रिडक्शन करने के बाद उसको बैंडेजिंग करना होता है, जिससे कि वो इमोबिलाइज रहे, प्रॉपर पोजीशन में अलाइनमेंट के अंदर बनी रहे। तो साथियों एक तो इमोबिलाइजेशन करने के पर्पज से फ्रैक्चर के बाद और डिसलोकेशन के बाद, दोनों ही बाद में बैंडेजिंग किया जाता है। To immobilize an injured part so the relieve pain. एक injured part को immobilize करने के लिए, जैसे यहां पर अगर injury हो चुकी है, अब अगर movement करेंगे तो इससे क्या होगा, यहां pain होगा, तो pain को relieve करने के लिए भी just we need to do the bandaging. To prevent the contamination of the wound. दोस्तों यदि अगर wound को आपने open छोड़ दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे और खाएंगे पिएंगे और ग्रोथ करेंगे, नाचेंगे गाएंगे कूदेंगे ऐश करेंगे और क्या। या सुनो, लेकिन आपको रोक देना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वुंड पर नहीं आने देना है उनकी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिवेंट करने के लिए वुंड के ऊपर बैंडेज अप्लाई कर देना, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां तक ना पहुंच सके और कल्चर करके अपनी ग्रोथ ना करे, नंबर ऑफ क्वांटिटी ना बढ़ाए। या सुनो, तो दूसरी बात होती है, नेक्स्ट पर्पस होता है टू स्टॉप द कंटामिनेशन ऑफ द वुंड। नेक्स्ट पर्पस होता है टू कंट्रोल द हेमरेज और टू इंप्रूव द वीनस ब्लड फ्लो फ्रॉम लोअर एक्सट्रीमिटी बाय अप्लाइंग द प्रेशर। दोस्तों लोअर एक्सट्रीमिटी के ऊपर बैंडेज के माध्यम से प्रेशर अप्लाई किया जा सकता है और इसकी मदद से जस्ट वीनस रिटर्न को भी बढ़ाया जा सकता है और हेमरेज को, जैसे प्रेशर बैंडेज अगर आप अप्लाई कर देंगे तो हेमरेज को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है और वीनस रिटर्न को बढ़ाया जा सकता है। तो नेक्स्ट पर्पस इज टू कंट्रोल द हेमरेज और टू इंप्रूव द वीनस ब्लड फ्लो। टू सिक्योर अ ड्रेसिंग। दोस्तों यदि अगर हमने ड्रेसिंग किया, अब हमें पता है कि ड्रेसिंग यदि अगर सिक्योर नहीं किया है तो ड्रेसिंग हट जाएगा, गिर जाएगा। साथियों इस ड्रेसिंग को सिक्योर करने के लिए इसके ऊपर बैंडेज लगा दी जाती है, जिससे कि ये ड्रेसिंग हटेगा नहीं। बोलो भाई। नेक्स्ट, टू मेंटेन द स्प्लिंट इन द पोजीशन। दोस्तों जैसे कि हम कहते हैं कि किसी बॉडी पार्ट को यदि स्प्लिंट करना है तो उसके लिए भी बैंडेज की जरूरत होती है। To retain the warmth, thus the flannel bandage on the rheumatoid joints. दोस्तों flannel bandage के बारे में हमने कहा था कि ये synthetic वाला जो cloth होता है उसका बना होता है, गर्म कपड़ा होता है एक तरह का। तो flannel जो होता है ये warm cloth से बना हुआ bandage होता है friends, और ये warm cloth कई बार जस्ट बॉडी के पार्ट्स को वार्म रखने के पर्पस से भी अप्लाई कर दिए जाते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्लाइंट्स को। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्लाइंट्स के जॉइंट्स पर यदि अगर फ्नेलन लगाया जाता है तो उसका पर्पस है उस जॉइंट को, उस साइट को वार्म रखा जाना। अंडरस्टैंड गाइस? नेक्स्ट होता है टू प्रिवेंट और रिड्यूस द स्वेलिंग। दोस्तों यदि अगर हम किसी भी इंजर्ड पार्ट के ऊपर बैंडेज नहीं करेंगे तो वहां एडिमा बढ़ता ही जाएगा, और इसीलिए अगर बैंडेज किया गया तो बैंडेज की वजह से एडिमा ज्यादा नहीं बढ़ेगा और मोर स्वेलिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो साथियों ये भी विशेष ध्यान रखिएगा कि बैंडेजिंग का मेन दूसरा पर्पस होता है दोस्तों टू प्रिवेंट और रिड्यूस द स्वेलिंग। Are you understand? So reduce the swelling or to prevent the swelling. Next,
What articles you need when we are going to apply the bandage? जब हम बैंडेज किसी को अप्लाई करने जाएंगे तो हमें कौन कौन से आर्टिकल्स लेकर जाना है? साथियों, सबसे पहला हमारे पास होना चाहिए रोलर बैंडेज. रोलर बैंडेज इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंडेज इन द हॉस्पिटल एंड दैट इज पॉपुलरली यूज बैंडेज. क्लियर है? बोलो भाई. Then, according to the body part, अब मैं बताता हूं, that is very, 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 very important questions. ये बहुत ही important question से, चाहे आप AIIMS का nursing officer exam देना, या फिर आप skill exam देंगे. तो skill exam या nursing officer के कोई भी exam के लिए साथियों, आपको ये guidelines पता होना चाहिए. तो general guidelines to width of the roller bandages. आपको याद रखना है विड्थ ऑफ द रोलर बैंडेजेस. साथियों, रोलर बैंडेजेस की विड्थ आपसे पूछी जाती है. तो व्हाट आर द विड्थ ऑफ द रोलर बैंडेजेस, आइए जानते हैं. यूज्ड अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट. तो दोस्तों, रोलर बैंडेज की विड्थ जो होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है और ये बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है. तो सबसे पहला, यारो लाइक करो सर, क्लास क्यों नहीं है, 150 लाइव है, लाइक 50 ही. अरे लाइक कर दो यार भाई, क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग. 189 स्टूडेंट्स लाइक हैं और सब लोग लाइक कर दे, जल्दी से कर दीजिएगा यार, इतना तो बनता है, जल्दी करो. फिर पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है, बार बार आप लोग मुझे डिस्टर्ब करते हो. और एक फालतू कमेंट बिल्कुल मत करो, ये कौन दिल विल भेज रहा है. राइट, लाइक कर दो और फालतू कमेंट मत करो, इससे डिस्टर्बेंस होता है. क्लास बहुत खतरनाक है आज का, और दोस्तों ये बहुत गजब का क्लास है, यानी हजारों रुपए पे कर दोगे ना आप जब भी, आपको नहीं पढ़ाई जाएगी ये क्लास जो मैं फ्री में पढ़ाता हूँ. याद रखना, मेरा एक एक सुपर लेक्चर हजारों रुपए की कोचिंग्स पे भारी पड़ता है. पूरे बुगली के लेक्चर अगर आप देख लोगे, कोई मुझसे पूछे दोस्तों कि आपने क्या किया, तो हजारों रुपए पे करने के बाद भी आपको वो नॉलेज नहीं मिली होगी और ना मिलेगी जो आपको बुगली में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है. तो दोस्तों, ये आपका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल होना चाहिए कि बुगली आपके लिए क्या कर रहा है या साहू सर आपके लिए क्या कर रहा है. बड़ा दुख हो जाता है जब कोई समझता नहीं है इन सब चीजों को. एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए दोस्तों कि हाँ, बुगली से हमें क्या मिला है, और एक होप मिली है नर्सिंग ऑफिसर्स बनने की, एक उम्मीद मिली है जो बन के दिखाएंगे और ऐसा कुछ करके दिखाएंगे कि बुगली का भी नाम रोशन हो, साहू सर का नाम रोशन हो और आपका अपने माता पिता का नाम भी रोशन हो. ऐसा हमें करके दिखाना है. अरे बोलो मेरे बब्बर शेरों शेरनियों, चलो आगे बढ़ूं क्या, बोलो यार, क्लियर है? तो देखिएगा, विड्थ डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द बॉडी पार्ट. तो एक तरफ हम आपको बॉडी पार्ट का नाम बताएंगे, दूसरी तरफ उस पर अप्लाई की जाने वाली बैंडेज का विड्थ. तो सबसे पहले अगर फिंगर्स पर आपको रोलर बैंडेज अप्लाई करना हो तो फिंगर्स के लिए 1 इंच का रोलर बैंडेज आता है. दोस्तों, यदि अगर आर्म के ऊपर आपको रोलर बैंडेज अप्लाई करना हो तो इसके लिए 2 से 2.5 इंच वाला रोलर बैंडेज यूज किया जाता है. यदि साथियों लेग के ऊपर रोलर बैंडेज अप्लाई करना है तो उसके लिए 3 से 3.5 इंच वाला रोलर बैंडेज आता है. यदि ट्रंक पर रोलर बैंडेज अप्लाई करना है साथियों तो इसके लिए 4 से 6 इंच वाला रोलर बैंडेज आता है. यदि अगर हेड के ऊपर रोलर बैंडेज अप्लाई करना है तो इसके लिए 2 इंच वाला रोलर बैंडेज आता है. बोलो यार. तो सिंपल टाइप से हमने ये पैटर्न आपको बता दिए विड्थ वाले, कि सब आर्म फिंगर के लिए 1 इंच, आर्म के लिए 2 इंच. देखो याद ऐसे रखना, आर्म के लिए 2 इंच, लेग के लिए 3 इंच, ट्रंक के लिए 4 इंच, हेड के लिए 2 इंच, फिंगर के लिए 1 इंच. अंडरस्टैंड? देन उसके बाद आर्म के लिए 2 इंच, हेड के लिए 2 इंच, अंडरस्टैंड? देन थाई के, लेग के लिए 3 इंच और ट्रंक के लिए 4 इंच. ऐसे याद रखिएगा. क्लियर है गाइस? देन नेक्स्ट बात करता हूं, और कौन से आर्टिकल चाहिए. तो बैंडेज को कट करने के लिए लास्ट में आपको सीजर की आवश्यकता होगी. बैंडेज को फिक्स करने के लिए आपको सेफ्टी पिन चाहिए या फिर एडहेसिव टैप चाहिए. अंडरस्टैंड गाइस? देन पैडिंग मटेरियल चाहिए. कहीं पर बैंडेज में पैड लगाना पड़ता है अंदर. तो क्या क्या चाहिए बैंडेजिंग करने के लिए? अरे सिंपल से आर्टिकल होते हैं बैंडेजिंग करने के लिए, कोई ज्यादा खास आर्टिकल्स की जरूरत नहीं होती है. केवल एक रोलर बैंडेज चाहिए, मिल गया.
दूसरा सीजर चाहिए कट करने के लिए, मिल गया। एक उसको चिपकाने के लिए टैप चाहिए, मिल गया। एक उसको फिक्स करने के लिए पिन चाहिए, पिन, सेफ्टी पिन, मिल गया क्या? ये सारे आर्टिकल्स वी नीड्स। अंडरस्टैंड गाइस? तो जल्दी से ट्रे बना दीजिएगा। ये लो यहाँ पर रख दिया साहब रोलर बैंडेज, ये सीजर रख दी हमने, ओके, ये सेफ्टी पिन रख दिया, ठीक है, और ये यहाँ पर एक दो तीन गोज पैड रख दिए, ताकि जब बैंडेज अप्लाई करेंगे तो उसके नीचे गॉस पैड लगा देंगे, ताकि मतलब उससे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से टच में ना आए। अंडरस्टैंड गाइस? चलिएगा प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, आइए जानते हैं बैंडेजिंग करने में किन बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। तो बैंडेजिंग में कौन से प्रिंसिपल होते हैं, बैंडेजिंग के नियम कायदे क्या होते हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। तैयार हो? तो चलिए जानिएगा बैंडेजिंग के प्रिंसिपल्स। यूज अ टाइटली रोल्ड बैंडेज ऑफ द करेक्ट विड्थ। दोस्तों सही विड्थ होनी चाहिए बैंडेज की, और रोल जो होता है वो टाइटली रोल्ड होना चाहिए, रोल लूज नहीं होना चाहिए। रोल बैंडेजिंग करते समय ध्यान रहे जो बैंडेजिंग का रोल है वो बिल्कुल टाइट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। एक मिनट आप लोगों को, एक मिनट में मैं अभी हाँ, तो चलिएगा दोस्तों बात करते हैं, मैं आ गया हूँ, चलिएगा बात करते हैं। हमने कहा टाइटली रोल्ड बैंडेज ऑफ द करेक्ट विड्थ, एक सही विड्थ का टाइटली रोल्ड बैंडेज होना चाहिए, एक इंच, दो इंच, तीन इंच का। दोस्तों ये जो बैंडेज आपको दिखा रहा हूं मैं अभी, ये जो बैंडेज है ये है वॉशिंग रेन्यू प्लास्टिक स्टोर इन द ड्राई प्लेस फ्लश कलर्ड विद हैश कट एंड क्रैप बैंडेज बीपी, और ये चार मीटर लेंथ का बैंडेज है, ये 4 मीटर लेंथ का बैंडेज है, और इसकी जो विड्थ है वो करीब अराउंड 5 इंच है इसकी विड्थ, इसकी विड्थ है 5 इंच। तो चलिएगा आपको ये बैंडेज मैंने ला के रखा हुआ था आपके लिए पढ़ाने के लिए, और ये लेक्चर बहुत बड़ा लेक्चर था, इसीलिए आपको 2 दिन की छुट्टी भी मिल गई है। तो चलिएगा इसके बारे में बताता हूँ दोस्तों आपको। ये बैंडेज देखिएगा क्रैप बैंडेज है, और ये जो इस पर पिन है ये सेफ्टी पिन है, और इसके माध्यम से, इस पिन के माध्यम से हम इसको फिक्स करते हैं। अंडरस्टैंड? तो जो ये रोल है ये तो लूज हो चुका है, तो आपसे कहा जा रहा है दोस्तों जब भी बैंडेजिंग अप्लाई करें आप, तो ये जो रोल है ये टाइट रोल होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं करेक्ट विड्थ का ही बैंडेज यूज किया जाना चाहिए। तो ये बैंडेज जो होता है अलग अलग साइज में अवेलेबल होते हैं, क्यों, आर्म पे अप्लाई करने के लिए भी हो सकता है, और दूसरा थाइस पर अप्लाई करने के पर्पज से भी इसे लिया जा सकता है। दूसरी बात करते हैं सपोर्ट द पार्ट टू बी बैंडेज थ्रू आउट द प्रोसीजर। दोस्तों जब तक बैंडेज अप्लाई नहीं होगा तब तक कि आपको नर्सिंग स्टाफ को उस बॉडी पार्ट को सपोर्ट करके रखना है, यानी कि जैसे कि ऐसा नहीं कि पेशेंट को ऐसे होल्ड करवा दिया, तो जब तक बैंडेजिंग नहीं होगा तब तक उस बॉडी पार्ट को एक करेक्ट पोजिशन के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। हम जान रहे हैं प्रिंसिपल्स कि बैंडेजिंग अप्लाई करने में कौन सी सावधानियां, कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखें। ऑलवेज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट। दोस्तों कभी भी बैंडेज अगर अप्लाई कर रहे हो तो हमें पेशेंट के फ्रंट में रहना है, कहां रहना है, फ्रंट साइड में रहना है, क्योंकि तुम तो वैसे ही फ्रंट लाइन
फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो, फ्रंटलाइन वॉरियर्स यस और नो, तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी बैंडेज अप्लाई करना है तो फ्रंट में रहना है, अंडरस्टैंड। जब भी बैंडेज अप्लाई करना है तो कहाँ रहना है, जब भी बैंडेज अप्लाई करना है तो फ्रंट में रहना है। देन एक्सेप्ट व्हेन अप्लाइंग अ कैपलिन बैंडेज, केवल कौन सी बैंडेज ऐसी होती है साथियों जो जस्ट सामने फ्रंट में खड़े होकर अप्लाई नहीं की जाती है, उसके लिए आपको पेशेंट के पीछे खड़ा होना होता है। तो कौन सा बैंडेज ऐसा होता है जो पीछे खड़े होकर के अप्लाई करते हैं ना कि फ्रंट में? प्रिंसिपल, बैंडेजिंग का प्रिंसिपल ये कहता है, सिद्धांत ये कहता है कि बैंडेज जब भी अप्लाई करना सामने खड़े होकर करना। केवल एक प्रकार की बैंडेज ऐसी होती है जो पीछे खड़े होकर के और अप्लाई की जाती है, और वो होती है साथियों कैपलिन बैंडेज। कौन सा? अरे भाई बोलो यार, कैपलिन बैंडेज यानी हेड पर जो कैप तरह का, कैप के जैसा हेड इंजरी में बैंडेज बनाएंगे, मैं सिखाऊंगा कैसे। तो कैपलिन बैंडेज पेशेंट के पीछे से खड़े होकर अप्लाई किया जाता है। बैंडेज अ लिम्ब इन द पोजीशन इन विच इट इज रिमेन, बैंडेज द लिम्ब इन द पोजीशन इन विच इट इज रिमेन। दोस्तों हम कह रहे हैं कि ऑलवेज किसी भी लिम्ब को अगर आप बैंडेज कर रहे हो तो कोशिश करना कि उसी पोजीशन में बैंडेजिंग किया जाए जिस पोजीशन में वो बॉडी का लिम्ब होता है। जैसे कि फोर आर्म और हैंड शुड बी प्रॉन, जस्ट फोर आर्म और हैंड पे बैंडेजिंग कर रहे हैं तो ये इस तरह से होते हैं, प्रॉन पोजीशन में होते हैं, तो हमेशा ही इनको उसी पोजीशन में रखा जाए जब भी बैंडेजिंग किया जा रहा हो, तो जिस पोजीशन में ये होते हैं उसी पोजीशन में बैंडेजिंग किया जाना चाहिए। बात समझ गए दोस्तों? तो नेक्स्ट प्रिंसिपल बताता हूँ, होल्ड द बैंडेज विद द हेड ऑफ द रोल अपर मोस्ट एंड ओनली and apply the outer surface of the bandage to the part, never unroll more than a few inch of the bandage at a time. दोस्तों ध्यान रखना, कभी भी बैंडेज को बहुत ज्यादा अनरोल नहीं किया जाता है। अगर बैंडेज अप्लाई कर रहे हैं तो बैंडेज का ये जो रोल होता है, ये रोल किस साइड होना चाहिए? ऊपर की साइड रखना है, याद रखना इस तरीके से। बैंडेज का जो रोल होगा वो अपर होगा, ऐसे बैंडेज नहीं होता है, ये गलत है। अंडरस्टैंड, बैंडेज कैसे करेंगे, ये रोल ऊपर होना चाहिए और जितनी जरूरत है थोड़ा सा ही अनरोल करें, ज्यादा अनरोल नहीं करें। अंडरस्टैंड, तो मोर देन फ्यू इंचेस ऑफ द बैंडेज शुड नॉट बी अनरोल्ड। अप्लाई द बैंडेज फ्रॉम medial outward and from below upward, maintaining even pressure throughout the. So just dosto, just apply the bandage from medial outward and from the below upward. Understand? Then begin the bandage with a firm oblique turn to fix it and allow each successive turn to cover two-third of the previous one. Cover two-third of the previous one. And with the free edges lying parallel. दोस्तों अब कह रहे हैं कि bandage just should be with the firm oblique turns. Bandage apply करने में किस तरह के turns mostly use करते हैं? तो mostly oblique turns use किए जाते हैं। और दोस्तों जो next वाला जो part होगा, turn होगा, उसको कितना cover करके next turn करते हैं? तो two third cover करते हैं previous turn को। साथियों मैं कह रहा हूं कि ज्यादातर जो bandage में हम use करते हैं वो oblique turn use करते हैं इस तरह से। ये जो turn देख रहे होंगे आप, ये इस तरह का turn, ये होगा oblique turn। और oblique turn में अब जो next turn बनेगा, नेक्स्ट टर्न बनेगा साथियों, उसमें ये पहले के टर्न को कितना कवर करवाना है, टू थर्ड। कितना? टू थर्ड कवर करते हुए नेक्स्ट रोल किया जाना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड ना, बात अच्छे से समझ में आ रही होगी सब बच्चों को। अरे भाई बोलो, बात समझ रहे हो ना? आगे आगे बढ़ता जा रहा हूं। मेक एनी रिवर्स और क्रॉसिंग लाइन, मेक एनी रिवर्स और क्रॉसिंग लाइन ऑन द आउटर साइड ऑफ द लिम्ब except when this bring the bandage over a wound or bony prominence, in which case it must be on the front of the limb. Make any reverse or crossing line on the outer side of the limb except.
बच्चों जब कभी भी हम बैंडेजिंग कर रहे हो तो याद रखना रिवर्स और क्रॉसिंग लाइन ऑन द आउटर साइड ऑफ द लिम्ब। तो जस्ट लिम्ब जो रिवर्स और क्रॉसिंग लाइन जो हम करेंगे यानी बैंडेज जब कभी भी किसी भी लिम्ब के ऊपर अप्लाई किया जाए तो इसका जो हम कह रहे हैं कि जब बैंडेजिंग की जो लेयर्स आप बनाएंगे तो उसमें दो लेयर्स जब एक दूसरे को क्रॉस करेगी तो लेयर्स जो क्रॉस करती हैं वो हमेशा किस साइड रखें, आउटर साइड में रखना है, किसी भी लिम्ब के आउटर साइड में क्रॉसिंग लाइन होनी चाहिए। तो जस्ट रिवर्स या फिर क्रॉसिंग लाइन, रिवर्स और क्रॉसिंग लाइन हमेशा लिम्ब के कहां रहनी चाहिए, आउटर साइड ऑफ द लिम्ब, आउटर साइड ऑफ द लिम्ब। केवल मात्र किसको छोड़कर, एक्सेप्ट व्हेन दिस ब्रिंग द बैंडेज ओवर अ वुंड और बोनी प्रोमिनेंस इन विच केस इट मस्ट बी ऑन द फ्रंट ऑफ द लिम्ब। दोस्तों जब हम क्रॉसिंग की बात करेंगे तो सिंपली केवल मात्र किस केस में, बोनी प्रोमिनेंसिस के ऊपर यदि बैंडेज अप्लाई किया जा रहा हो या वुंड पर या फिर बोनी प्रोमिनेंस पर तो इन फ्रंट ऑफ द लिम्ब। Paid the axilla or groin when the bandaging these parts so that two success surfaces of the skin do not touch each other beneath the bandage. दोस्तों यदि अगर दो fingers एक साथ bandage कर रहे हो, चलो मैं fingers की ही समझा देता हूँ आपको, दो fingers यदि एक साथ bandage कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे ऐसे करके और दोनों fingers को ऐसे bandage कर देना है, no। यदि अगर टू फिंगर्स को एक साथ बैंडेज कर रहे हो दोस्तों तो पहले दोनों फिंगर्स के बीच में गोज पैड रखा जाना चाहिए कि दोनों बैंडेज के अंदर कोई भी दो बॉडी पार्ट्स आपस में टच नहीं होने चाहिए, बी केयरफुल। यदि आप पैड एक्सिला या ग्रोइन एरिया की बैंडेजिंग कर रहे हैं तो याद रखना बैंडेजिंग दीज पार्ट सो दैट टू सर्फेसिस ऑफ द स्किन डू नॉट टच ईच अदर। तो बॉडी की कोई दो सर्फेसेस एक दूसरे को टच नहीं होना चाहिए और बिनेथ द बैंडेज। तो इसके लिए हम क्या करें, गॉज यूज करें। फिनिश ऑफ विद अ स्ट्रैट टर्न अबो द पार्ट, होल्ड द एंड एंड फास्टन विद द सेफ्टी पिन। दोस्तों अब जब हम फाइनली बैंडेज को फिनिश करते हैं तो स्ट्रैट टर्न लेकर के और उसको पिन के माध्यम से लगा दिया जाता है ओवर द पार्ट, होल्ड द एंड एंड फास्टन विद द सेफ्टी पिन। तो एक सेफ्टी पिन के माध्यम से फाइनली यानी स्ट्रैट टर्न में, स्ट्रैट टर्न फाइनल टर्न जो रखना है वो स्ट्रैट टर्न रखना होता है और फिर सेफ्टी पिन से इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग। क्लियर प्रिंसिपल्स ऑफ बैंडेजिंग, बोलो भाई। नहीं हो पा रहा है तो समझ भी नहीं आ रहा है दीपक व्यास बेटा। बात इमेजिनेशन की है, थोड़ा इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ अपनी, बोलो भाई। नरेन चौहान, इमेजिनेशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। वैसे तो तुम बहुत बड़ा वैसे तो तुम्हारा इमेजिनेशन बहुत गजब चलता है, पढ़ाई में ही तुम्हारा इमेजिनेशन थोड़ा कमजोर हो जाता है, राइट? ऐसा भेदभाव क्यों करते हो यार, ये भेदभाव क्यों? जैसे तुम्हें इमेजिनेशन, अगर मैं ये कह दूं अभी कि तू ये बता कार नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद कौन सी गाड़ी खरीदेगा, तो तू उसकी अभी सीट से लेके टायर, सीट बेल्ट वगैरह सब इमेजिन करके बता देगा मुझे बहुत गजब तरीके से। कि सर ऐसी हो गाड़ी तो। और मैं अभी कह दूं तुझसे कि तू जब सिंगापुर घूमने जाएगा तो क्या करेगा, तो तू वहां का भी बड़ा तगड़े तरीके से इमेजिनेशन करके बता देगा। तो थोड़ी इमेजिनेशन क्षमता को पढ़ाई में भी काम में लो, बाकी चीजों में तो आप पूरा इमेजिनेशन काम में लेते हो, बहुत गजब चलता है तुम्हारा इमेजिनेशन। राइट? केवल पढ़ाई में ही इमेजिनेशन तुम्हारा कमजोर होता है यार, ये भेदभाव नहीं यार, भेदभाव क्यों करते हो तुम लोग, सब जगह इमेजिनेशन बराबर काम में लो, ठीक है? समझ गए बात को? तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ बैंडेजेस, अब मैं बताता हूं बैंडेजेस कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला हम कह रहे हैं रोलर बैंडेज, ट्राइंगुलर बैंडेज, स्पेशल बैंडेज। अब स्पेशल बैंडेज में एक तो मैनीटेल बैंडेज, कई प्रकार मैनीटेल, जैसे मैनीटेल ये है, ये है, जैसे ये टेल, ये टेल, ये टेल, ये टेल, तो मैनी टेल बैंडेजेस, टी बैंडेजेस, दैट इज टी बैंडेजेस, अंडरस्टैंड? तो डिफरेंट टाइप के
हाँ, एक साथ सोचा करो, सबके लिए इमेजिनेशन बराबर रखो, पढ़ाई में भी, दूसरी फैसिलिटी में भी, जिंदगी के सपने देखने में भी बराबर इमेजिनेशन रखो। अब तुम सपने देखने में तो इमेजिनेशन फुल करते हो और पढ़ाई में तुम इमेजिनेशन ही नहीं करते हो, राइट? तो चलिएगा, अब हम कहते हैं टाइप्स ऑफ बैंडेजिंग, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रोलर बैंडेज, ट्राइंगुलर बैंडेज, स्पेशल बैंडेज। स्पेशल बैंडेज में मैनी टेल बैंडेज, मैनी टेल बैंडेज और टी बैंडेज, आइए जानते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला हम जानेंगे साथियों रोलर बैंडेज। रोलर बैंडेज, रोलर बैंडेज आर लॉन्ग स्ट्रिप्स ऑफ द मटेरियल। बेसिकली देर आर टू टाइप ऑफ द रोलर बैंडेज। दोस्तों रोलर बैंडेज दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा, अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि रोलर बैंडेज कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है नंबर वन, एन इलास्टिक रोलर बैंडेज। एन इलास्टिक रोलर बैंडेज इज यूज टू अप्लाई द सपोर्ट टू अ स्ट्रेन और स्प्रेन एंड इज रैप्ड अराउंड द ज्वाइंट एंड लिम्ब मेनी टाइम्स। इट शुड बी अप्लाइड फर्मली बट नॉट टाइटली एनफ टू रिड्यूस द सर्कुलेशन। दोस्तों ये फर्मली अप्लाई किए जाने चाहिए बैंडेजेस। हमेशा कोई भी बैंडेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से बॉडी के किसी पार्ट का सर्कुलेशन नहीं रुकना चाहिए, क्लियर? तो सिंपली एन इलास्टिक रोलर बैंडेज, रोलर बैंडेज ही है लेकिन इलास्टिक है। तो इलास्टिसिटी उस बैंडेज में होने की वजह से उसका नाम रखा गया रोलर बैंडेज का। तो पहला रोलर बैंडेज होगा इलास्टिक रोलर बैंडेज। ये किस लिए यूज होता है? टू अप्लाई द सपोर्ट इन केस ऑफ स्ट्रेन और स्प्रेन, और या फिर रैप्ड अराउंड द ज्वाइंट और लिम्ब मेनी टाइम। इट शुड बी अप्लाइड फर्मली बट नॉट टाइटली एनफ टू रिड्यूस द सर्कुलेशन। नंबर टू, सेकेंड प्रकार का रोलर बैंडेज होता है दोस्तों, कॉटन और लिनन रोलर बैंडेज। यह तो लिनन से बना हुआ, लिनन या कॉटन ये क्लोथ्स के पैटर्न है, ये इलास्टिसिटी वाला भी पैटर्न है। तो क्लोथ्स के पैटर्न के आधार पर हमने कहा साहब ये लो 50 रुपए, साहब मुझे रोलर बैंडेज चाहिए, रोलर बैंडेज चाहिए। तो मेडिकल स्टोर वाले ने बोला कि सब किस तरह का रोलर बैंडेज चाहिए? आपने कहा सर मुझे तो इलास्टिक रोलर बैंडेज दे दीजिएगा, या फिर आपने कहा सर मुझे तो कॉटन रोलर बैंडेज दे दीजिए, या सर मुझे तो आप ऐसा करें लिनन वाला रोलर बैंडेज दे दीजिएगा। तो यदि अगर हम कह रहे हैं स्ट्रेन स्प्रेन है तो फिर आप इलास्टिक रोलर बैंडेज लेके आओगे, बोलो यार। यदि मैं कहूं कॉटन कब लाना है तो देखना, आर यूज टू कवर द गॉज ड्रेसिंग, दे कम इन मेनी डिफरेंट वे और आर हेल्ड इन प्लेस विद द टेप क्लिप और पिन। दे कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द वुंड कंप्रेशन इफ नेसेसरी एज दे आर टिपिकली स्टेराइल। तो दोस्तों कॉटन लिनन बैंडेजेस आर यूज्ड, पहला यूज देखिए टू कवर द गोज ड्रेसिंग। सबसे फर्स्ट हम कह रहे हैं कॉटन बैंडेज यूज किया जाता है टू कवर द गोज ड्रेसिंग। दूसरा, इसको हम वुंड कंप्रेशन के पर्पस से भी यूज करते हैं। तो प्यारे साथियों, कॉटन और लिनन बैंडेज का यूज क्या हो सकता है? रोलर बैंडेज का टू कवर द वुंड, टू कंप्रेस द वुंड, टू कंप्रेस द वुंड और टू कवर द ड्रेसिंग, गॉज ड्रेसिंग। अंस्टीन स्ट्रेन या स्प्रेन के केस में वी यूज द इलास्टिक रोलर बैंडेज। किस तरह का रोलर बैंडेज? इलास्टिक रोलर बैंडेज, बोलो भाई, समझ गए क्या? फिगर वन इज इंप्रेसिंग द रोलर बैंडेज। ये देखिएगा साथियों, ये जो बैंडेज आप देख रहे हो, दिस इज द रोलर बैंडेज। तो फर्स्ट माय क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग
टाइप ऑफ बैंडेज, किस तरह का बैंडेज है ये, टाइप ऑफ बैंडेज, क्या कहते हैं इस बैंडेज को? तो यू विल आंसर, सर दिस इज अ रोलर बैंडेज। सर ये एक रोलर बैंडेज है, आई होप यू अंडरस्टैंड ना। नेक्स्ट, सेकंड प्रकार के बैंडेज है साथियों, ट्राइंगुलर बैंडेज। ट्राइंगुलर बैंडेज कैसा बैंडेज? ट्राइंगुलर बैंडेज। तो साथियों ट्राइंगुलर बैंडेज कैसा बैंडेज होता है? जब आपसे मैं कहूं कि आपकी जेब में पॉकेट के अंदर हैंकी है, तो जो हैंकी होता है उसको अगर उसको एक साइड से फोल्ड कर दिया जाए तो उससे जो बैंडेज बनेगा वो ट्राइंगुलर बैंडेज कहलाएगा, इस तरह का। तो ट्राइंगुलर बैंडेज जैसे कब यूज करते हैं? तो दोस्तों जैसे कि हम आर्म एल्बो जॉइंट पर फ्रैक्चर है तो इसको सपोर्ट देने के लिए यहां से करके और ऐसे गर्दन पर एक बैंडेज प्लेस करते हैं, अप्लाई करते हैं और वो बैंडेज होता है ट्राइंगुलर। ऐसा बैंडेज यहां नहीं लग सकता है, यहां पर पूरे आर्म को सपोर्ट के लिए आपको ट्राइंगुलर बैंडेज यूज करना पड़ेगा, इस तरह से ऐसे करके और लगाते हैं। अंस्टीन दिखाऊंगा, अभी फोटो दिखाऊंगा आपको। तो देखिएगा, ट्राइंगुलर बैंडेज आर मेड अप ऑफ द कॉटन और डिस्पोजेबल पेपर। दोस्तों ये कॉटन के भी होते हैं और डिस्पोजेबल पेपर के भी होते हैं। दे हैव वैरायटी ऑफ यूजेस। व्हेन ओपन अप दे मेक स्लिंग टू सपोर्ट। स्लिंग टू सपोर्ट, इनसे क्या बनाया जाता है? दे आर यूज टू मेक द स्लिंग टू सपोर्ट एलिवेट और इमोबिलाइज द अपर लिम्स। इमोबिलाइज, स्लिंग, एलिवेट और इमोबिलाइज द अपर लिम्स। दिस मे बी नेसेसरी विद अ ब्रोकन बोन और अ स्ट्रेन और टू प्रोटेक्ट अ लिम्ब आफ्टर एन ऑपरेशन। अंस्टीन भाई क्लियर है? तो सिंपली हमने कहा कि जो ये बैंडेजिंग होता है ये ट्राइंगुलर बैंडेज होता है। देखना अभी तो ये क्वाड्रेंगुलर है, इसको अभी मैं ट्राइंगुलर बना देता हूं। अब आप इसे देखोगे, चलिएगा बचपन में नाव बनाई कभी? नाव, कागज की नाव। ये लीजिएगा साथियों, ये है ट्राइंगुलर बैंडेज। देख क्या, अरे भाई बोलो, ये ट्राइंगुलर बैंडेज है। आप ट्राइंगुलर बैंडेज कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे ये आर्म होता है ना, यहां से ऐसे करके, ठीक है? तो कैसे अप्लाई किया जाएगा? जैसे ये आर्म है, आर्म पे इस तरह से रख के और इसको ऐसे करके अपने आप आ जाएगा। देखो आ गया ना, इस तरह से आर्म। अब ये वाली जो इसकी साइड है ये जाएगी इधर और ये जाएगा इधर, और पीछे से आपको नॉट लगा देना है, पीछे से बांध देना है, ऐसे करके लगाया जाता है ट्राइंगुलर बैंड। अपने पास संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, बिना संसाधनों के पढ़ा रहा हूं क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ भी नहीं ला सकते अभी। बिना लॉकडाउन के आपको, बिना संसाधनों के भी आपको मैं कागज वगैरह से बैंडेज वेंडेज बना के पढ़ा दूंगा, ठीक है दोस्तों? तो ये बना, क्या बना? ट्राइंगुलर बैंडेज बन गया। अरे भाई बोलो, बात समझ गए ना देवेंद्र शर्मा? फोल्डेड नैरोली अ ट्राइंगुलर बैंडेज बिकम्स अ कोल्ड कंप्रेस दैट कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द स्वेलिंग। दोस्तों ट्राइंगुलर बैंडेज जस्ट ऑल्सो यूज एज द कोल्ड कंप्रेस। दोस्तों ट्राइंगुलर बैंडेज से अफेक्टेड लिम्ब को कोल्ड कंप्रेस भी मिलता है।
They are used also for applying pressure to a wound to control the bleeding. They are also used for applying the pressure. Clear hai? So what are the purposes for applying the triangular bandage? Sathiyo, triangular bandage apply karne se kya kya fayde ho sakte hain, kya kya purpose ho sakte hain? To aaiye mark karwata hun. So triangular bandage sabse pehla ye sling बनाने के पर्पस से भी यूज किया जाता है, स्लिंग टू सपोर्ट. दूसरा पर्पस होता है टू एलिवेट या टू इमोबिलाइज द अपर लिम. नेक्स्ट पर्पस होता है साथियों कोल्ड कंप्रेस. नेक्स्ट पर्पस होता है अप्लाइंग द प्रेशर टू अ वंड. दीज आर द पर्पसेस फॉर अप्लाइंग द ट्राइंगुलर बैंडेज. ये देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं ट्राइंगुलर बैंडेज. ये जो आप देख रहे हैं साथियों, दिस इज ट्राइंगुलर बैंडेज, और ये रखे हुए हैं ट्राइंगुलर बैंडेज को लगाने के लिए सेफ्टी पिन. ये दिखाया हुआ है ट्राइंगुलर बैंडेज कैसे अप्लाई करते हैं. तो इन दिस इमेज यू आर सीइंग द ट्राइंगुलर बैंडेज. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द ट्राइंगुलर बैंडेज. यदि अगर आपको ट्राइंगुलर बैंडेज यूज करना है तो कैसे बनाएंगे. तो देखिएगा, ये टोटल ट्राइंगल है, ये ट्रायंगुलर बैंडेज है. इसका एक फोल्ड यहां से फर्स्ट फोल्ड कर लें आप, ये फर्स्ट फोल्ड. अलग अलग विड्थ के यूज किए जा सकते हैं ना. अरे यार, अगर अडल्ट पर्सन है तो उसकी जो फोरआर्म है वो बड़ी साइज की है, बच्चा है, चिल्ड्रन है तो फोरआर्म छोटी साइज की होगी. तो डिफरेंट साइज से आपको इसको सेट करना होता है ट्रायंगुलर बैंडेज को. तो ये एक फोल्ड करेंगे तो इसका विड्थ इतना हो जाएगा. फिर आप चाहें तो सेकंड फोल्ड करके इसकी विड्थ को और कम कर सकते हो. ब्रॉड बैंडेज कहलाएंगे ये दोनों, फर्स्ट और टू, वन और टू, दोनों ही ब्रॉड ट्राइंगुलर बैंडेज कहलाएगी. नंबर थर्ड, एक और थर्ड फोल्ड कर दिया दोस्तों, तो ये बन जाएगा नैरो बैंडेज. अंडरस्टैंड? तो हमने आपको कहा कि साहब ट्राइंगुलर बैंडेज जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ब्रॉड बैंडेज और नैरो बैंडेज. ब्रॉड बैंडेज में वन और टू फोल्ड कर देंगे. अगर ट्राइंगुलर बैंडेज को एक फोल्ड किया, दो फोल्ड किया तो वो ब्रॉड बैंडेज कहलाता है. लेकिन अगर थर्ड बार आपने फोल्ड कर दिया तो वो नैरो बैंडेज बन जाता है. अनीता दास, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच सर, यू आर वेलकम. You are welcome loads in your bugli. It's not my bugli, that is your bugli. मैं तो एक वर्कर हूं आप लोगों का, मैं तो आप लोगों का एक सेवक हूं भाई, वर्कर हूं जो मैं काम कर रहा हूं. मुझे पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, या मेरा मकसद क्या है, आई डोंट नो. बस मैं करता हूं. तो मैं तो आप लोगों का एम्प्लॉई हूं भाई, आप लोगों का वर्कर हूं, आपको मुझे कुछ बनाना है. अंडरस्टैंड? तो सिंपली इसी के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है. बस आप अगर अच्छा सीखते रहोगे तो मुझे उससे काफी खुशी मिलती है, और इससे मैं आपको काफी अच्छा एक्साइटेड होकर सिखाऊंगा. तो चलिए बस शुरू करता हूं. लेकिन जैसा मैं आपको कहता जा रहा हूं वैसा पढ़ाई करना है. अच्छा, यदि अगर पूरा बेनिफिट आपको लेना है दोस्तों, तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो बुगली ऐप पर आपको कंटेंट मैंने दिए हैं वो कंटेंट आप रेगुलर बेसिस पर 2 से 4 घंटे उन कंटेंट्स को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, बिकॉज दे आर एक्सीलेंट कंटेंट्स, और वो सब आपको कंप्लीट कर लोगे. यानी हर एक मॉड्यूल के अंदर वो सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हैं दोस्तों जो किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. यानी कि हमने जो बुकलेट्स बनाई है वो बुकलेट्स एक सफिशियंट बुकलेट है, इसीलिए उसमें हर यूनिट के अंदर सेपरेट क्वेश्चन दिए गए हैं. एक एक यूनिट आप सोल्व करना, क्योंकि एक यूनिट के अंदर वो सारे एग्जाम कवर हैं, सेंट्रल से लेकर के और स्टेट तक हर पैटर्न का क्वेश्चन आपको उसके अंदर मिलेगा. तो आपको वो बुकलेट्स के क्वेश्चंस को भी सोल्व करते रहना है, ताकि आपका जो रास्ता है, जो सक्सेस स्टोरी है, वो थोड़ी इजी हो जाए. अंडरस्टैंड गाइस? तो देखिएगा, ये जैसे हमने अप्लाई किया है रोलर बैंडेज, तो सिंपली इस तरीके से रोलर बैंडेजेस को अप्लाई किया जा सकता है.
नेक्स्ट अब बात करता हूं दोस्तों थर्ड टाइप का बैंडेज है, ट्यूबुलर बैंडेज। कौन सा? अरे भाई बोलो। अब आती है बात ट्यूबुलर बैंडेज आर यूज्ड ऑन द फिंगर्स और टोज। यदि अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सर फिंगर्स और टोज पर कौन सा बैंडेज अप्लाई किया जाता है, तो फिंगर्स और टोज पर ना तो रोलर और ना ही ट्राइंगुलर। फिंगर्स और टोज पर ना तो रोलर और ना ही ट्राइंगुलर, यहां बनता है साहब ट्यूबुलर। ट्यूबुलर कौन सा? ट्यूबुलर। तो यूज्ड ऑन द फिंगर्स एंड टोज बिकॉज those areas are difficult to bandage with gauze. Then they can also be used to keep dressing in place on the parts of the body with loads of movement such as the elbow or knee. इस तरह के bandages को body के उन joints पर भी लगाया जा सकता है जिनमें ज्यादा ही movements की जरूरत होती है, जैसे कि elbow और knee joint. तो साथियों ये ट्यूबुलर बैंडेजेस जो होते हैं स्पेशली अप्लाई किए जाते हैं फिंगर्स पर और टॉस पर। दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन द सम ऑफ जॉइंट्स दे आर यूज्ड फॉर एक्सेसिव मूवमेंट्स इन द बॉडी। फर्स्ट इज द एल्बो एंड सेकेंड इज द नी ऑफ द पेशेंट, दीज टू जॉइंट्स। तो दिस इज यू आर सींग दैट इज द ट्यूबुलर। This is tubular application of the bandaging. This is also the tubular bandaging. T bandage, a bandage shaped like the letter T and used for the female perineum, in certain cases the head. Perineum area, female perineum area is bandaged by using the T bandage. Cravat bandage, a triangular bandage. तो क्रेवेट भी एक ट्राइंगुलर बैंडेज है दोस्तों, और फोल्डेड टू फॉर्म अ बैंड अराउंड द इंजर्ड बॉडी पार्ट, दिस इज द क्रेवेट बैंडेज। तो दैट इज ऑल्सो अ क्रेवेट बैंडेज, क्रेवेट बैंडेजिंग। ये एक प्रकार का दोस्तों क्रेवेट बैंडेजिंग एक प्रकार का ट्यूब ट्राइंगुलर बैंडेज होता है। कैसा होता है? ट्राइंगुलर बैंडेज। अंडरस्टैंड? So this is a type of triangular bandage. आइए जानते हैं next हमारा part आ गया है दोस्तों आज के lecture का, basic bandaging forms. Basic bandaging forms. कौन कौन सी forms की bandaging होते हैं, basic forms क्या होते हैं? तो पहला forms होता है each bandaging technique consists of the various basic forms of bandaging. The following five basic forms are available of bandaging can be used to apply most type of bandaging. Satyun, सबसे पहली बात करेंगे हम forms, application, किस किस तरह से bandaging किया जाता है। तो first is the circular spiral figure of 8 recurrent or reverse spiral. बेसिक पांच तरह के बैंडेज होते हैं, याद रखना मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स। अरे भाई बोलो मेरे नर्सिंग ऑफिसर्स, याद रखना मुख्य रूप से पांच प्रकार के ही बैंडेज के पैटर्न होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप का बैंडेज हम अप्लाई करना सीखेंगे सर्कुलर पैटर्न में। सेकेंड हम बैंडेजिंग अप्लाई करना सीखेंगे स्पाइरल पैटर्न में। नंबर थर्ड हम बैंडेज अप्लाई करना सीखेंगे साथियों फिगर 8 पैटर्न में। नंबर फोर हम बैंडेजिंग अप्लाई करना सीखेंगे रिकरेंट बैंडेज, और नंबर फिफ्थ हम सीखेंगे रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग। तो दोस्तों ये पांच पैटर्न या फाइव फॉर्म्स होते हैं जिससे कि जस्ट वी विल अप्लाई द बैंडेजिंग। नंबर वन पहला बैंडेजिंग, और दिस इज द सर्कुलर बैंडेजिंग। अरे भाई बोलो,
आई होप यू अंडरस्टैंड ना। बोलो भाई। यस, आर एल सैनी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि दूसरों के द्वारा यदि तुम अपना आदर चाहते हो तो पहले दूसरों का आदर करना सीखिए। क्लियर? बात समझ में आ रही है ना यहां तक? बड़े आगे चलिएगा। सबसे फर्स्ट टाइप का हम सीखेंगे दोस्तों, सर्कुलर पैटर्न का बैंडेजिंग। तो सर्कुलर बैंडेजिंग इज यूज्ड टू होल्ड द ड्रेसिंग ऑन द बॉडी पार्ट, जैसे कि आर्म, लेग, चेस्ट, एब्डोमेन फॉर द स्टार्टिंग अदर्स बैंडेजिंग टेक्निक्स और फॉर स्टार्टिंग द अदर बैंडेजिंग टेक्निक्स। प्यारे दोस्तों याद रखना, ऐसा कोई बैंडेजिंग नहीं बना जो सर्कुलर के बिना किया जा सके। पहली मेरी यूनिवर्सल बात पे ध्यान देना, बहुत सिंसियर ध्यान देना, ध्यान से सुनना बात को, कंसंट्रेट प्लीज। हमने कहा ऐसा कोई भी बैंडेजिंग नहीं हो सकता जो सर्कुलर के बिना अप्लाई किया जा सके। कोई भी बैंडेज अगर आप करने जा रहे हो तो शुरुआत उसकी सर्कुलर से ही होगी। क्लियर? सर्कुलर ये लीजिए। अब मैं इसको ध्यान से देखना, मैं इसको केवल इसी वाले फोल्ड के ऊपर ही घुमाता रहूं, इसी फोल्ड पे मैं इसे घुमाता रहूं, तो ये क्या है दोस्तों? ये है सर्कुलर बैंडेज। किस तरह का बैंडेज है देख लीजिएगा, ये सर्कुलर बैंडेजिंग पैटर्न है। लेकिन यदि अगर मैं इसको देखना, आप ओब्लिक टर्न के द्वारा, ओब्लिक टर्न्स के द्वारा अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं, ओब्लिक टर्न्स के द्वारा यदि मैं इसे आगे बढ़ा दूं, तो देखिए आप, ये जो बैंडेजिंग पैटर्न होगा जिसमें टर्न्स कैसे हैं, ओब्लिक है और पहला फोल्ड दूसरे फोल्ड को 1/3, 2/3 कवर करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो ये पैटर्न कहलाएगा दोस्तों स्पाइरल पैटर्न। कौन सा पैटर्न? स्पाइरल पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग। क्लियर है? तो ये इस तरह का जो बैंडेजिंग था ये स्पाइरल बैंडेजिंग था। क्लियर है साथियों? बोलो भाई, बात समझ गए? अब यदि अगर मैं इसी को इसी फोल्ड के ऊपर रोटेट करूं, तो ये वाला जो बैंडेजिंग है साथियों, ये है सर्कुलर बैंडेजिंग। तो सर्कुलर में हम केवल पिछले फोल्ड के ऊपर ही नेक्स्ट फोल्ड करेंगे और स्पाइरल में हम ओब्लिक फोल्ड के में बैंडेजिंग को आगे की तरफ टर्न कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया है? तो सिंपली अब हम कह रहे हैं आपसे कि सर्कुलर बैंडेजिंग कहां कहां जरूरत होती है। तो कोई भी बैंडेज को स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहला तो सर्कल लगाना ही पड़ेगा। इसलिए सर्कुलर बैंडेजिंग का अगर हम यूज बताएं साथियों, तो फॉर स्टार्टिंग द अदर बैंडेजिंग टेक्निक्स, दूसरी बैंडेजिंग टेक्निक्स को स्टार्ट करने के लिए सर्कुलर बैंडेजिंग करना पड़ता है, या फिर टू होल्ड द ड्रेसिंग ऑन द बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के ऊपर ड्रेसिंग को उसकी पोजीशन में होल्ड करने के लिए सर्कुलर बैंडेजिंग किया जाता है, जैसे आर्म्स पर, लेग पर, चेस्ट पर, एब्डोमेन पर। फॉर सर्कुलर बैंडेजिंग वी यूज द स्ट्रिप्स ऑफ द क्लॉथ और गोज रोलर बैंडेज और ट्राइंगुलर बैंडेज फोल्डेड डाउन टू फॉर्म द स्ट्रिप ऑफ बैंडेज। दोस्तों हम सर्कुलर बैंडेजिंग करने के लिए, यानी सर्कुलर तो एक पैटर्न है, यस और नो? चलो, सर्कुलर बैंडेजिंग करने के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो दोस्तों सर्कुलर बैंडेजिंग करने के लिए किसी कपड़े का टुकड़ा, देखो सर्कुलर बैंडेजिंग करने के लिए क्या क्या यूज किया जा सकता है,
किसी कपड़े का टुकड़ा, स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, या गोज का रोलर, रोलर गोज रोल, जैसे ये बैंडेज ये रोल, देन ट्राइंगुलर बैंडेज। अब आपसे कहा था मैंने ट्राइंगुलर बैंडेज को भी सर्कुलर बैंडेजिंग के लिए यूज किया जा सकता है, आता है मेडिकल पे मिलता है बना बना ट्राइंगुलर बैंडेज, तो ट्राइंगुलर बैंडेज को भी अप्लाई किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सब कर सकते हैं। कैसे? आप इसको फोल्ड कर लें, वन फोल्ड, टू फोल्ड और थ्री फोल्ड, ये तीन फोल्ड करते ही दोस्तों ये एक स्ट्रिप बन जाएगा, और स्ट्रिप बनने के बाद आप इसको सर्कुलर बैंडेजिंग के लिए भी यूज में ले सकते हो। तो जस्ट वी कैन यूज द ट्राइंगुलर बैंडेज फोल्डेड डाउन टू फॉर्म द स्ट्रिप ऑफ बैंडेज, और इस तरह की जो स्ट्रिप ऑफ बैंडेज बनती है उसे कहते हैं क्रेवेट, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था। याद रखना दोस्तों, ध्यान से पढ़ना बात को, समझ गए ना? तो सिंपली हमने कहा सर्कुलर बैंडेजिंग और उसके यूज होगी बात। सर्कुलर बैंडेजिंग के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं? तो स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ, गोज रोलर बैंडेज, ट्राइंगुलर बैंडेज, फोल्डेड डाउन टू फॉर्म स्ट्रिप ऑफ बैंडेज, और ये इंपॉर्टेंट बात होगी दोस्तों, दैट इज नॉन एज द क्रेवेट। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एम्स एग्जामिनेशंस। यदि मैं ओवरऑल लेक्चर की बात करता हूं साथियों, तो इससे बड़ा यूजफुल और इससे ज्यादा धांसू लेक्चर कुछ नहीं है किसी भी एग्जाम में। बैंडेजिंग के बहुत क्वेश्चन देखे हैं मैंने पिछले एग्जाम्स के अंदर। क्लियर है? सर जी आपको पार्क बॉर्डर पे बैठे देख ऑनलाइन स्टडी चल रही है बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। अरे वाह दिनेश सोनी, दिनेश हेलो डियर, बॉर्डर का ध्यान रखना बस, बॉर्डर में कोई पाक ना घुस जाए, कोई नापाक बॉर्डर के अंदर ना घुस जाए। बॉर्डर पे पढ़ाई तो करना लेकिन बॉर्डर की सुरक्षा भी करना, ध्यान रखना बॉर्डर का, ठीक है? इन द सर्कुलर बैंडेजिंग टेक्निक द लेयर्स ऑफ बैंडेजेस आर अप्लाइड ओवर द टॉप ऑफ ईच अदर। तो सिंपली अभी मैंने सिखाया था कि जस्ट सर्कुलर बैंडेजिंग में layers of bandaging are applied over the top of each other. तो circular bandaging में जो layers apply की जाती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर apply करते हैं, इसमें एक दूसरे के ऊपर apply करते हैं। तो circular bandaging के केस में the layers are applied on the each other, एक दूसरे के ऊपर ही layers को apply करना होता है, समझ गए बच्चों? तो just layers of the bandage are applied over the top of each other. With the roll on the inner aspect, unroll the bandage either towards you. With the roll on the inner aspect, unroll the bandage either towards you or laterally, holding the loose end until it is secured by the first circle of the bandage. Holding the loose end until it is secured by the first circle of the bandage. Dosto, jab hum keh rahe width of the roll on the inner aspect, jab tak ki first circle puri tarah se, jab pehla circle banega to ye loose rahega. Ab hum keh rahe hain dosto, jab tak ki ye pehla circle tight na ho jaye, first circle complete na ho jaye, jab tak ki aap bandage ko hold karke rakhe, tight khich ke rakhe, still then bandage jo unroll hoga, unroll hone ka jo pattern rahega either towards you, aapki taraf unroll hoga. Dekho jaise ye apply kiya ja raha hai, तो जो अनरोलिंग का तरीका होगा वो किधर होगा? आपकी तरफ, टुवर्ड्स यू। या फिर यदि साथियों जैसे थाइस के ऊपर अगर आप रोलर बैंडेज यूज कर रहे हो थाइस पर, तो फिर कैसे अनरोल होगा? लेटरल। देखो तो अनरोल बैंडेज के अनरोल का पैटर्न जो होता है टुवर्ड्स द, दस अनरोल द बैंडेज आइदर टुवर्ड्स यू या फिर लेटरली, होल्डिंग द लूज
एंड अंटिल इट इज सिक्योर्ड बाय द फर्स्ट सर्किल ऑफ द बैंडेज. टू और थ्री टर्न मे बी नीडेड टू कवर एन एरिया एडिक्वेटली. रोलर बैंडेज के द्वारा एक किसी एरिया को एडिक्वेटली कवर करने के लिए कितने सर्किल की जरूरत होती है, कितने टर्न चाहिए? तो ओनली टू या थ्री टर्न्स आर सफिशियंट. ऐसा नहीं कि कितने आपको बैंडेज मिल गया तो आप बस उसको घुमाई जा रहे हो और घुमा घुमा के उसका जो एक्सट्रीमिटी है बहुत मोटा कर दिया, वजन हो गया उसके अंदर. केवल दो से तीन सर्किल सफिशियंट होते हैं, चाहे तो फोर तक कर दें. मे बी नीडेड टू कवर एन एरिया एडिक्वेटली. होल्ड द बैंडेज इन प्लेस विद द टेप और क्लिप. फाइनली इसको टैप और क्लिप के माध्यम से होल्ड कर दिया जाएगा. अनस्टेन, समझ में आ गई? फिगर वन, सर्कुलर बैंडेज. ये जो आप बैंडेजिंग देख रहे हैं दोस्तों, दिस बैंडेजिंग इज द सर्कुलर बैंडेजिंग. नोट देखिएगा, ऑलमोस्ट ऑल बैंडेजिंग टेक्निक स्टार्ट एंड एंड विद अ फ्यू सर्कुलर बैंडेजिंग टर्न्स. ये है यूनिवर्सल नॉट. हमने कहा कि कोई भी बैंडेजिंग आप करें बिना सर्कुलर बैंडेजिंग के कुछ नहीं हो सकता. कोई भी बैंडेजिंग यदि अगर स्टार्ट होता है या फिर वो एंड होता है, तो स्टार्टिंग में या एंड में कोई भी बैंडेज जो होता है वो कंप्लीटेड या स्टार्टेड विद. Every bandaging is started or completed with few circular bandaging turns. कोई भी bandaging यदि finish होगा या start होगा तो कुछ turns हमेशा circular bandaging के होते हैं. Okay दोस्तों, second है spiral bandaging. अभी मैंने बताया था आपको spiral bandaging. तो जब हम bandage को apply करेंगे तो हम बैंडेज को ऑब्लिक शेप में टर्न करेंगे, ऑब्लिक टाइप से टर्न करेंगे. ऑब्लिक टर्न यदि अगर आप करते जाओगे तो ऑब्लिक टर्न से जो बैंडेजिंग पैटर्न बनता है वो होता है दोस्तों स्पाइरल. कौन सा? स्पाइरल बैंडेजिंग. समझ गए? क्लियर है? रोल हमेशा टाइट रहना चाहिए. अनफोल्ड करें उतना ही जितना जरूरी है, ज्यादा अनफोल्ड नहीं किया जाना चाहिए. तो स्पाइरल बैंडेजिंग, स्पाइरल बैंडेजेस आर यूजुअली यूज्ड फॉर द सिलेंड्रिकल पार्ट्स. दोस्तों उन पार्ट्स के लिए स्पाइरल बैंडेजिंग किया जाता है जो सिलेंड्रिकल होते हैं बॉडी पार्ट्स. एंड इलास्टिसाइज्ड बैंडेज कैन आल्सो बी यूज्ड टू अप्लाई द स्पाइरल बैंडेज टू द टेपर्ड बॉडी पार्ट. टेपर बॉडी पार्ट मीन्स जो बॉडी पार्ट सिलेंड्रिकल है या फिर टेपर है. टेपर मीन्स दोस्तों पतला होता जा रहा है. अच्छा, बॉडी का जो लिम्ब है, जैसे हमारी ये आर्म है, तो आर्म यहां से मोटी फिर पतली होती जाती है, तो यहां पर भी स्पाइरल बैंडेज किया जा सकता है. जैसे पूरा थाई वाला पार्ट थाई है, तो थाई भी ऊपर से मोटी फिर पतली होती जाती है. तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं दोस्तों, या तो सिलेंड्रिकल पार्ट हो ऐसा, इस पर हम क्या करेंगे, स्पाइरल बैंडेज लगा सकते हैं. और या फिर बॉडी पार्ट जो है वो इस तरह का हो, टेपर, टेपर्ड बॉडी पार्ट हो, तो साथियों यहां पर आप क्या कर सकते हो, स्पाइरल बैंडेज अप्लाई कर सकते हो. देखो इस तरह के जब फोल्ड आप करेंगे बैंडेजिंग में तो ये स्पाइरल कहलाएगा, और इसी तरह से यहां पर भी स्पाइरल बैंडेज किया जाता है. स्पाइरल बैंडेजिंग टू अ टेपर्ड बॉडी पार्ट. टेपर्ड बॉडी पार्ट. Despite the increasing diameter of the body part, the elasticity will allow the bandage to fit closely to the skin. With each spiral turn, part of the preceding turn is covered generally by 1/3 of the width of the bandage. दोस्तों यदि अगर आप spiral bandaging कर रहे हो तो पिछला जो turn होगा वो 1/3 cover करते हुए, 1/3 width cover करते हुए आगे बढ़ते हैं. तो हर स्पाइरल 1/3 कवर करते हुए आगे बढ़ेगा. अंस्टेड, क्लियर है? अब आपको दिखाते हैं, ये है स्पाइरल बैंडेजिंग.
अब आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाए साथियों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग। तो ये बैंडेजिंग का कौन सा पैटर्न है? ये बैंडेजिंग का स्पाइरल पैटर्न होता है। फिगर ऑफ एट बैंडेजिंग। अब आती है बात फिगर ऑफ एट बैंडेज। इन्वॉल्व टू टर्न्स विद द स्ट्रिप ऑफ बैंडेजेस क्रॉसिंग ईच अदर एट द साइड वेयर द जॉइंट फ्लेक्स और एक्सटेंड्स। इट इज यूजुअली यूज्ड टू बाइंड अ फ्लेक्सिंग जॉइंट और बॉडी पार्ट्स बिलो एंड अबव द जॉइंट। दोस्तों टू टर्न्स विद द स्ट्रिप ऑफ द बैंडेज क्रॉसिंग ईच अदर। फ्रेंड्स अब हम कह रहे हैं कि जो फिगर एट बैंडेज होता है इसका नाम फिगर एट क्यों रखा गया? फिगर एट नेम देने के पीछे इसका रीजन है साथियों, क्योंकि जब ये बैंडेज अप्लाई होता है तो इस बैंडेज का शेप एट लेटर की तरह होता है। एट की तरह शेप होने के कारण इसको फिगर एट कहा जाता है। फिगर एट बैंडेज हमेशा बॉडी के उन पार्ट्स पर अप्लाई करते हैं जिनमें फ्लेक्शन होता है, यानी जिन जॉइंट्स में फ्लेक्शन करने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एल्बो जॉइंट है, जैसे नी जॉइंट है, इन पर अप्लाई की जाने वाली बैंडेज होगी दोस्तों फिगर एट बैंडेज। क्लियर? फिगर एट बैंडेज के अंदर बैंडेज की वन स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप को क्रॉस करता है। तो जब एक स्ट्रिप दूसरी स्ट्रिप को क्रॉस करता है तो जो क्रॉसिंग पॉइंट होना चाहिए वो यहां पर होना चाहिए अंदर की साइड में। अंडरस्टैंड गाइस? तो क्रॉसिंग पॉइंट कहाँ होना चाहिए? जहां से जॉइंट का फ्लेक्शन होता है। अब देखिए वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, एक शॉर्ट क्लिप था। अब मैं आपको बता देता हूं अप्लाई करके। तो जब आप फिगर एट बैंडेज अप्लाई करते हो तो देखिएगा इस तरह से हम फिगर एट अप्लाई करेंगे। सही से तो मैं नहीं बना पाऊंगा अकेला, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा साथियों, तो जो क्रॉस बनाना है, देखो अच्छे से देख लीजिएगा। ये देखिए पीछे से, राइट, इधर देखें ये। तो जो बैंडेज का शेप आएगा वो कैसा आएगा? एट की तरह। और हमेशा ध्यान रखना दोनों स्ट्रिप्स जो क्रॉस करेगी वो कहां से क्रॉस करेगी, या इस तरह का बैंडेज अप्लाई करना होता है हमें जिन बॉडी के जॉइंट्स में फ्लेक्शन की जरूरत होती है। अंडरस्टैंड गाइस? तो फ्लेक्शन वाले जॉइंट्स पर इस तरह का बैंडेज अप्लाई करना होता है। तो देखिएगा बाइंड और इन्वॉल्व टू टर्न विद द स्ट्रिप ऑफ बैंडेज क्रॉसिंग ईच अदर एट द साइड वेयर द जॉइंट फ्लेक्सेस और एक्सटेंड। इट इज यूजुअली यूज्ड टू बाइंड अ फ्लेक्सिंग जॉइंट्स। कौन से जॉइंट्स के बाइंडिंग के लिए इसे यूज करते हैं? तो यूजुअली बाइंड द फ्लेक्सिंग जॉइंट और बॉडी पार्ट्स बिलो और अबो द जॉइंट। क्लियर है गाइस? द फिगर ऑफ एट बैंडेज कैन बी अप्लाइड यूजिंग अ रोलर बैंडेज इन टू पैटर्न। फिगर एट बैंडेज को अप्लाई करने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ऐसा रोलर बैंडेज। फिगर एट बैंडेज पैटर्न है और ये एक रोलर बैंडेज है। तो रोलर बैंडेज क्या है? बैंडेज जो अवेलेबल है वो बैंडेज है रोलर बैंडेज, और इस बैंडेज को जिस पैटर्न में बांधोगे वो पैटर्न है फिगर एट पैटर्न। तो फिगर एट पैटर्न में हम रोलर बैंडेज के माध्यम से अप्लाई करेंगे। फॉलोइंग अ सर्कुलर टर्न अराउंड द मिडिल ऑफ द जॉइंट the bandage should fan out upward and downward. The turn should cross the at the side where the limb flex. जहां से limb मुड़ता है वहां पर turn एक दूसरे को cross करते हैं। तो turn कहां से cross करते हैं? Cross at the side where the limb flexes. The figure eight turns can also be applied from a starting point located below or above the joint crease. Working towards the joint itself, the crossover the point will be located at the either the flexing or extending side of the joint. The side where the turn do not cross remains uncovered.
ये दोस्तों देख रहे होंगे आप फिगर एट बैंडेज है और इसका एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉरी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपसे बनेगा कि आइडेंटिफाई द विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ बैंडेज, दिस इज द फिगर एट बैंडेज। नेक्स्ट होता है दोस्तों रिकरेंट बैंडेजिंग, तो इट इज यूज्ड फॉर द ब्लंट बॉडी पार्ट्स। अगर आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि ब्लंट बॉडी पार्ट्स पर किस तरह का बैंडेज अप्लाई करते हैं, तो ब्लंट बॉडी पार्ट्स जैसे कि ये फिंगर है, फाइनल पार्ट है, या फिर स्टंप है, तो ब्लंट बॉडी पार्ट्स पर जो बैंडेज अप्लाई करेंगे दोस्तों वो कैसा बैंडेजिंग कहलाता है? रिकरेंट बैंडेजिंग कंसिस्ट पार्टली ऑफ द रिकरेंट टर्न्स। इसके अंदर जो रिकरेंट टर्न्स होते हैं इसी की वजह से इसको कहा गया रिकरेंट बैंडेजिंग। द बैंडेज इज अप्लाइड रिफिशियसली फ्रॉम वन साइड अक्रॉस द टॉप ऑफ द अदर साइड ऑफ द ब्लंट बॉडी पार्ट टू बी एबल टू फिक्स द रिकरेंट टर्न्स वेल। नॉट ओनली द वुंड बट द एंटायर लेंथ ऑफ द ब्लंट बॉडी पार्ट शुड बी कवर्ड। डिपेंडिंग ऑन द विड्थ ऑफ द बैंडेज एंड द बॉडी पार्ट सक्सेसिव टर्न either cover the preceding turn fully or partially. Recurrent bandaging are fixed using the circular or spiral turn. Just yaad rakhiyega question ki which of the following turns will be used to fix the recurrent bandage. Dosto recurrent bandage ko fix karne ke liye final mein hum ya to circular turn karenge aur ya fir spiral turn karenge. Understand guys? तो सर्कुलर टर्न या स्पाइरल टर्न के द्वारा इसको फिक्स किया जाएगा। ये देखिए आप इस तरह का जो बैंडेजिंग पैटर्न होता है ये फिंगर पर किया जाने वाला बैंडेजिंग है और इस तरह के बैंडेजिंग को कहते हैं दोस्तों रिकरेंट बैंडेजिंग। रिकरेंट बैंडेजिंग में देखिएगा आप सबसे फर्स्ट जो आपने स्टार्टिंग किया है वो इस तरह का, फिर उसके बाद ये वाला, फिर यहां से वापिस से टर्न करवाएंगे ऐसे, और फाइनली फिर हम कह रहे हैं इसको फिक्स करने के लिए या तो स्पाइरल या फिर सर्कुलर टर्न कर सकते हो। तो आइए मैं बताता हूं आपको कि कैसे अप्लाई करते हैं। दोस्तों ये आपके पास बैंडेजिंग है, सबसे पहले आपने ये यहां से फिंगर से स्टार्ट किया, तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? ऐसे स्टार्टिंग हो जाएगी, ऐसे नीचे आएगा टर्न, फिर यहां से ये टर्न यहां से आपको फोल्ड करके और फिर इसको ऐसे टर्न करना वापस, ठीक है? ये रिकरेंट टर्न आपको देना है। इस तरह से टर्न करके इस पार्ट को कवर करेंगे, ये देखिए फिर से रिकरेंट टर्न होगा और फाइनली जब आप इसको पूरा बना दें तब जाके इसको सर्कुलर के द्वारा कवर कर देना है, ठीक है? ऐसे बनाया जाता है साथियों रिकरेंट बैंडेजिंग। तो इस पैटर्न से आप ध्यान रखिएगा कि ये पैटर्न जो है एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर दिया जाएगा। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज, रिवर्स स्पाइरल अभी मैं सिखा रहा था आपको, तो एक तो आपने सिंपली ये स्पाइरल बैंडेज देखा, ये जो बैंडेज जिसमें वन थर्ड कवर करते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं, ये बैंडेज क्या है? ये वाला जो बैंडेज है दोस्तों ये तो है सिंपली स्पाइरल बैंडेज, लेकिन अब मैं आपको सिखाता हूं रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। रिवर्स स्पाइरल बैंडेज में क्या करना है, ये फोल्ड गया यहां तक आया, फिर यहां से आपको थंब से इसको प्रेस कर लेना है और देखो थंब से प्रेस करके यहां से घुमा दोगे आप, ये यहां से क्या करना है दोस्तों इतना लगा के और यहां पर आप थंब से इसको दबा लेना, ये देखिए थंब से यहां से दबा दिया, यहां से दबा के और इसको ऐसे करके ये रिवर्स टर्न करवाना है। रिवर्स टर्न, रिवर्स टर्न होगा, रिवर्स टर्न होकर के फिर बैंडेज इधर आएगा राइट, और फिर यहां तक आएगा और यहां आके फिर रिवर्स टर्न होगा ऐसे करके, तो एक अच्छी सी अच्छी खासी डिजाइन बन जाएगी उस लिम्ब के ऊपर। तो लिम्ब के ऊपर एक बहुत अच्छी सी डिजाइन बनी हुई आपको दिखे, तो वो सर्कुलर बैंडेजिंग हो रहा है। कौन सा बैंडेजिंग हो रहा है? सर्कुलर बैंडेजिंग। तो अभी मैं आपको बताऊंगा इमेज बताऊंगा कैसा दिखता है। इज ए स्पाइरल बैंडेजिंग वेयर द बैंडेज इज फोल्डेड बैक ऑन इटसेल्फ बाय 180 डिग्री आफ्टर ईच टर्न। हर एक टर्न के बाद बैंडेज को 180 डिग्री पर टर्न किया जाता है।
दिस वी शेप फॉल्ट, ये जो फॉल्ट बनते हैं ये फॉल्ट दिखने में वी शेप के जैसे बनते हैं, ऐसे ऐसे फॉल्ट बनते हैं. ओके, अलाउ द बैंडेज टू फिट टू द टेपर शेप ऑफ द बॉडी पार्ट ऑल द वे अलोंग. दिस टाइप ऑफ बैंडेजिंग इज रिक्वायर व्हेन यूजिंग नॉन इलास्टिसाइज्ड बैंडेज. The development of elasticated fixing bandages, which are applied to the tapered body part using the spiral technique, means that the reverse spiral technique is far less commonly used upward. पहला क्वेश्चन याद रखिए 180 डिग्री पर टर्न होते हैं, और सेकेंड क्वेश्चन याद रखिए वी शेप के फोल्ड दिखाई देते हैं. ये जो बैंडेजिंग आपको दिखेगा ये वी शेप का बैंडेजिंग है दोस्तों. दिखा देता हूं, सबसे पहला आपने स्पाइरल फोल्ड किया, ये एरो आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट जो फोल्ड लिखा है वो स्पाइरल होगा, देन उसके बाद इससे टर्न किया, इधर गया, फिर यहां से ऐसे आएगा. तो किस तरह से ये बैंडेजिंग बनता है देख लीजिएगा. फर्स्ट टर्न सर्कुलर हो गया, फिर पीछे से घूम करके दूसरा टर्न आएगा यहां तक, फिर यहां से आप इसको 180 डिग्री पर घुमा दोगे, 180 डिग्री पर घुमा करके जैसे ही घुमाओगे तो ये टर्न वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है. फिर इसको पीछे से रोटेट करोगे, रोटेट करके और जो दूसरा टर्न आएगा वो वापस यहां आएगा, फिर 180 पे घूमेगा ऐसे करके, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे. तो जब आप इस बैंडेज को देखोगे एक साथ तो आपको ये ऐसा रिवर्स वी शेप नजर आएगा. एक अच्छी खासी इस तरह की डिजाइन अगर नजर आ रहा है तो ये जो बैंडेजिंग पैटर्न है साथियों रिवर्स स्पाइरल बैंडेजिंग है. तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन या फिर वीडियो बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे इनके किए जा सकते हैं. वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए भी बहुत जल्दी आपकी वुगली स्टोर के ऊपर एक कोर्स आने वाला है जिसमें लगभग 40 प्रोसीजर आपको छोटी शॉर्ट वीडियो क्लिप्स के द्वारा सिखाए जाएंगे और उनके सबके नोट्स आपके अवेलेबल होंगे और उसके आर्टिकल्स वगैरह टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ उसका बना हुआ है. पूरा कोर्स होगा, उस पर वर्क चल रहा है. वो जैसे ही बन जाएगा मैं आपको यहाँ इन्फॉर्म कर दूंगा कि वो कोर्स आपकी स्टोर पे आ चुका है. कल आपकी स्टोर पर एक न्यूरोलॉजी का मॉड्यूल अपडेट हुआ, एक रेस्पिरेटरी का हुआ है, और अब आज नया कोर्स अपडेट हो जाएगा, वो होगा वीडियो बेस का एक और कोर्स होगा जिसके अंदर आपको 40 प्रोसीजर दिए जाएंगे छोटे छोटे से क्लिप्स. अंडरस्टैंड? तो देखिएगा दोस्तों, ये आपसे एक वीडियो बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा या इमेज बेस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. क्लियर है बेटा? क्लास कम से कम अभी सवा घंटा, आधी क्लास हुई है, इतनी ही बड़ी क्लास और है अभी. ओके, ढाई घंटे का लेक्चर है आज का. मैं पानी वानी पी लो आप लोग भी, मैं भी 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं आप लोगों को, ठीक है. लेक्चर तो चलता रहेगा, 5 मिनट का ब्रेक ले लो और फिर वापस आ जाओ, लेक्चर चलने दो, ठीक है.
चलो आ जाओ, ज्यादा दूर तो नहीं निकल गए थे। आ जाओ जल्दी से, कहाँ चले गए? देखिएगा, आगे शुरू कर रहा हूं। सर्कुलर टर्न, अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि किस तरह से सर्कुलर टर्न के साथ हम लोग ये अभी जो पिछला बैंडेजिंग हमने बताया आपको, रिवर्स स्पाइरल बैंडेज। तो रिवर्स स्पाइरल बैंडेज सर्कुलर टर्न, सबसे पहला आपको सर्कुलर टर्न लगाना होगा, अंडरस्टैंड? देन अप्लाई द एंड ऑफ द बैंडेज टू द पार्ट ऑफ द बॉडी टू बी बैंडेज। फिगर 8 सर्कुलर टर्न, फिगर 1। Encircle the body part a few time or as close as needed. Each turn directly covering the previous turn. हर एक previous turn को cover करते हुए आपको circular turn लगाना है. Provide even support to the area. Secure the end of the bandage with tape, metal clip or safety pin over an uninjured areas. Clip and pin can be uncomfortable when situated over the and injured area. स्पाइरल टर्न और सिंपल स्पाइरल। स्पाइरल टर्न किस तरह से करते हैं? स्पाइरल टर्न आर यूज्ड टू बैंडेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर फॉर्मली यूनिफॉर्म इन द सर्कमफेरेंस सच एज द अपर आर्म और अपर लेग। अंडरस्टैंड? मेक टू सर्कुलर टर्न टू द एंकर ऑफ द बैंडेज। स्पाइरल टर्न करने के लिए कितने सर्कुलर टर्न करने पड़ेंगे? पहले बैंडेज को फिक्स करने के लिए 2 सर्कुलर टर्न करना, फिर स्पाइरल में स्टार्ट कर देना। कंटिन्यू स्पाइरल टर्न आर अबाउट 30 डिग्री एंगल। याद रखना, स्पाइरल टर्न जो होते हैं वो कितने डिग्री एंगल पर किए जाते हैं? 30 डिग्री एंगल ईच टर्न, ओवरलैपिंग द प्रोसीडिंग 1/2। अब जो नेक्स्ट टर्न स्पाइरल टर्न होते हैं दोस्तों, उसमें 1/2 कवर करते हुए आपको आगे बढ़ाना होता है। विड्थ ऑफ द बैंडेज, एंड ऑफ द बैंडेज विथ 2 सर्कुलर टर्न। फाइनली जब बैंडेज का एंडिंग होता है तब भी क्या करना होता है? आपको 2 सर्कुलर टर्न के द्वारा इस बैंडेज को फिनिश करना होता है। अंडरस्टैंड गाइस? तो स्पाइरल टर्न आर यूज्ड बैंडेज पार्ट ऑफ द बॉडी दैट आर फेयरली यूनिफॉर्म इन द सर्कमफेरेंस। तो जो सर्कमफेरेंस में यूनिफॉर्म सर्कमफेरेंस वाले बॉडी पार्ट्स होते हैं या फिर टैपरिंग बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन पर स्पाइरल बैंडेज किया जाता है। तो स्पाइरल बैंडेजिंग जैसे अपर आर्म और अपर लेग। देखिएगा, बॉडी टू सर्कुलर टर्न से स्टार्टिंग होता है, फिर 30 डिग्री पर हम टर्न करते हैं बैंडेज को, और 1/3 या 2/3 आप कवर करते हुए आगे बढ़ाओगे, और फाइनली जो एंड होगा वो भी 2 सर्कुलर टर्न के द्वारा इसको फिनिश कर दिया जाता है। समझ गए दोस्तों? स्पाइरल रिवर्स टर्न, स्पाइरल रिवर्स टर्न आर यूज टू बैंडेज द सिलेंड्रिकल पार्ट्स। स्पाइरल रिवर्स टर्न बॉडी के सिलेंड्रिकल पार्ट्स को बैंडेज करने में यूज करते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट आर नॉट यूनिफॉर्म, यदि यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर वहां पर हम स्पाइरल रिवर्स टर्न यूज करते हैं इन सर्कमफेरेंस सच एज द लोअर लेग और फोरआर्म, जैसे कि फोरआर्म और लोअर लेग। अंडरस्टैंड गाइस? याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो बैंडेजिंग पैटर्न दिख रहा है आपको, ये अभी मैंने सिखाया था, वी शेप यहाँ से अपीयरेंस आता है। तो इस तरह का जो बैंडेजिंग दिखा हुआ है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना ये वाला भी। तो ये जो पैटर्न है ये है रिवर्स टर्न स्पाइरल बैंडेज। मेक टू सर्कुलर टर्न टू द एंकर ऑफ द बैंडेज और ब्रिंग टू द बैंडेज अपवर्ड एंड गेट अपवर्ड 30 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर एक तो बैंडेज को अपवर्ड और गेटवर्ड वापस से मूवमेंट करवाते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ से टर्न करवा देते हैं। तो ऐसे मैंने जैसे सिखाया था, ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से टर्न आएगा पीछे से घूम करके और फिर वापस नीचे आता है, फिर यहाँ से पीछे से रोटेट करके नेक्स्ट टर्न आएगा, फिर वापस घूम जाता है। तो इस तरह की जो शेप बनती है ये वाली शेप, पहले तो 2 आप क्या करें, सर्कुलर टर्न लगा दें। 2 सर्कुलर टर्न होने के बाद फिर ये वाला स्ट्रक्चर आपको मेंटेन करना है। अंडरस्टैंड गाइस? तो ये जो बैंडेज बन रहा है ये बैंडेज है सर्कुलर स्पाइरल रिवर्स टर्न, स्पाइरल रिवर्स टर्न। इसमें 2 सर्कुलर टर्न करने होते हैं और फिर उसके बाद 30 डिग्री एंगल पर रोटेट करते हुए नेक्स्ट टर्न होंगे। अंडरस्टैंड? तो स्पाइरल रिवर्स टर्न बैंडेजिंग। प्लेस द थंब ऑफ द फ्री हैंड ऑन द अपर एज ऑफ द बैंडेज, अनरोल द बैंडेज अराउंड द 15 सेंटीमीटर। तो जब आप सर्कुलर रिवर्स स्पाइरल बैंडेज कर रहे हो तो लगभग बैंडेज कितना अनरोल करना होता है? तो लगभग 15 सेंटीमीटर अनरोल किया जाता है, 6 इंच अनरोल किया जाता है। देन टर्न द हैंड सो दैट द बैंडेज फॉल्स ओवर इटसेल्फ। कंटिन्यू द बैंडेज अराउंड द लिम्ब ओवरलैपिंग ईच प्रीवियस टर्न बाय 2/3।
प्रीवियस टर्न कितना कवर होगा, टू थर्ड कवर होते हुए द विड्थ ऑफ द बैंडेज. मेक ईच बैंडेज टर्न एट द सेम पोजिशन ऑन द लिम्ब सो दैट द टर्न ऑफ द बैंडेज विल बी अलाइंड एंड द बैंडेज विद टू सर्कुलर टर्न एंड सिक्योर. फाइनली जो बैंडेज का फिनिशिंग होता है, एंड होता है, वो दो सर्कुलर टर्न से हम इसको एंड कर देते हैं. एल्बो बैंडेज जो कि एक फिगर एट बैंडेज होता है. एल्बो मैंने कहा था जितने भी ऐसे जॉइंट्स हैं जिनमें फ्लेक्शन होता है, तो फ्लेक्शिंग जॉइंट्स के अंदर हम किस तरह का बैंडेज अप्लाई करते हैं, फिगर एट बैंडेज. तो फिगर एट बैंडेज एल्बो पर अप्लाई करना सीखेंगे. तो देखिएगा ये जो इमेज है, दैट इमेज इज शोविंग द फिगर एट बैंडेज. इसका जो शेप बनता है वो इस तरह का होता है, इसलिए इस बैंडेज को फिगर एट बैंडेज कहते हैं. बिहाइंड द एल्बो एट द राइट एंगल एल्बो बैंडेज फिगर एट बैंडेज, दैट इज द ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट इमेज बेस्ड क्वेश्चन और एम्स के एग्जाम्स के पर्पज से काफी महत्वपूर्ण पैटर्न होता है दोस्तों फिगर एट बैंडेज. कैसे लगाते हैं आइए जानते हैं. ले द आउटसाइड ऑफ द बैंडेज ऑन द इनर साइड ऑफ द ज्वाइंट. Lay the outer side of the bandage, outer side of the bandage on the inner side of the joint. जो bandage का outer side है, ये देखिए bandage है, bandage का outer side है, ये inside है. Outer side को कहाँ रखें? Inner side of the joint. यहाँ रखें inner side of the joint पर, inner side of the joint. And take two straight turns. और फिर उसके बाद में दो straight turns लगाने हैं. Then carrying the bandage over the elbow, tip and around the elbow. Two turns are taken to fix the bandage to the body part. Make a second turn to encircle the forearm and the upper arm. Ensure the first turn is covered one third of the width of the bandage below the below and above. तो साथियों याद रखिएगा कि जब आप फिगर एट बैंडेजिंग कर रहे हो तो हर सर्किल वन एट पे आपको कवर करना है. बाय कवरिंग वन थर्ड बिलो एंड अबोव रिमेनिंग वन थर्ड इज एक्सपोज्ड. अंडरस्टैंड? तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वन थर्ड कवर करने के बाद में कितना रहेगा, वन थर्ड बचेगा. कंटिन्यू बैंडेजिंग कवरिंग टू थर्ड ऑफ द प्रीवियस टर्न अंटिल द एंटायर ड्रेसिंग इज सिक्योर्ड. Complete bandaging by taking two circular turns above and secure it with the safety pin or tap. Finally, जब आप complete करेंगे तो इससे हम कहते हैं कि दो circular turns के द्वारा complete होती है. तो mostly हमने starting में ही कह दिया था कि कोई भी bandage अगर आप कर रहे हो तो finally वो circular turn से ही complete होता है और फिर safety pin से या tap से इसको cover कर दीजिएगा. अब ये है नी बैंडेज, नी पर फिगर एट बैंडेज. फ्लेक्स द नी एंड ले द आउटर साइड ऑफ द बैंडेज अगेंस्ट द इनर साइड ऑफ द नी मीडियल देन फिगर एट बैंडेज ऑन द नी. दैट इज इमेज बेस्ड क्वेश्चन. टेक टू स्ट्रेट सर्कुलर टर्न्स द केप एंड टेक द टर्न बिलो द एबो कवरिंग वन थर्ड ऑफ द प्रीवियस टर्न. कोई डिफरेंट नहीं है, वही सेम पैटर्न है, बस उसको अलग अलग तरीके से कहाँ कहाँ अप्लाई करके आपको दिखा रखा है. बाकी तो जो कॉमन बात है वो है फिगर एट बैंडेज. क्लियर है? कंटिन्यू द टर्न बिलो एंड अबो द ज्वाइंट अंटिल द होल नी इज कवर्ड. सिक्योर द बैंडेज बाय कंप्लीटिंग विद टू सर्किल और द थाई. फिक्स द एंड एडहेसिव टैप और सेफ्टी पिन. वही सेम बात है. कैपलाइन या हेड बैंडेज. कैपलाइन या हेड बैंडेज एक इंपॉर्टेंट है, ये अब आपका नेक्स्ट पैटर्न होगा. तो अगली नेक्स्ट टाइप की जो बैंडेज होती है वो हेड पर अप्लाई होती है और ये कहलाती है कैपलाइन बैंडेज. क्लियर है दोस्तों? अरे पम्मी पहली बार देखा आपको. पम्मी पहली बार ही देखा, आपसे पहले मुलाकात नहीं हुई कभी. थैंक यू डियर. This bandage is sometimes used when the whole scalp is to be covered. A double head roller bandage is used. दोस्तों इसमें double headed roller bandage use करेंगे. कौन सा bandage? Roller bandage. कौन सा? Double headed roller bandage. जो capline bandage बनाने के लिए. तो position the patient to the sit. Capline bandage के लिए हमने कहा patient को sitting position में रखें. On the stool or chair. स्टूल और चेयर पे बिठा दें और स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट. एकमात्र ऐसा बैंडेज जिसमें आप पेशेंट के पीछे खड़े होते हो. तो याद रखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला साथियों कि कैपलाइन बैंडेज कहाँ अप्लाई होता है. तो कैपलाइन बैंडेज हेड पर अप्लाई किए जाने वाले बैंडेज को कहते हैं. इसके लिए कौन सा बैंडेज यूज करते हैं? इसके लिए डबल हेडेड रोलर बैंडेज यूज करते हैं. ठीक है, इसके लिए पेशेंट पोजिशन क्या होता है?
पेशेंट पोजीशन होता है सिटिंग। कहां पर सिटिंग करवाया जाता है? तो स्टूल या चेयर पर सिटिंग हो सकता है। आपकी पोजीशन क्या होती है? तो आप पेशेंट के पीछे खड़े होते हो। हर बैंडेजिंग में आपको पेशेंट के फ्रंट में रहना है, बट केवल कैपलाइन बैंडेज ऐसा है जिसमें आप पेशेंट के पीछे खड़े होते हो, स्टैंड बिहाइंड द पेशेंट। दिस पोजीशन विल कन्वीनियंट टू अप्लाई द हेड बैंडेज। देन देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करें दोस्तों, आप अगर कैपलाइन बैंडेज अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान से देखना, ये तो खुला हुआ नहीं है। जो कैपलाइन बैंडेज होता है उसके दो एंड होते हैं, एक तरह से दो तरफ रोल होगी वो, इस तरह से हाफ रोल मैं इधर कर लूंगा, इस तरह की बैंडेज होगी दोस्तों, ठीक है। ये कैपलाइन बैंडेज होगी। कैपलाइन बैंडेज अप्लाई करने के लिए आपको दोनों साइड रोल चाहिए, ठीक है, ऐसे। अब क्या करें, आप यहां से फोरहेड से शुरुआत करें, फोरहेड से बैंडेज अप्लाई किया जाएगा, ऐसे करके पीछे लेके जाओगे, तो गिर गया, ऐसे करके, माजिद थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, लव यू माजिद, ऐसे करके पूरा रोल खुल गया यार, ऐसे करके पीछे लेके जाओगे। अब पीछे ले जाने के बाद देखना क्या करने वाला हूं मैं यहां से, ये ऐसे करके दिख रहा है ना सबको, ये वाला जो पार्ट है ये तो जाएगा इधर, और ये वाला जो पार्ट है ये आ जाएगा यहां से रोल करके आगे, ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, आगे आ गया ये ऐसे। अब ये वाला जो पार्ट है ये वापस इधर से टर्न होके आएगा, यहां से कवर कर लेगा, ऐसे कवर करने के बाद ये वाला जो पार्ट होगा इसको वापस से यहां से रोल करवा दिया जाएगा, इस तरीके से। ऐसे करते 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 पूरा जो हेड है वो कवर हो जाएगा। दिख गया सबको? इस तरीके से हम बैंडेज अप्लाई करते हैं साथियों, रोलर बैंडेज। अच्छे बाल बिगड़ गए मेरे, लेकिन आपको सिखाना जरूरी था, ठीक है। ये ऐसे अप्लाई होगा साथियों, रोलर बैंडेज। सीख गए ना आप? तो समझ में आ गया, हेड इंजरी में यूज लेते हैं इसको, ऐसे अप्लाई करना है आपको रोलर बैंडेज। इसको रोल बना देता हूं मैं धीरे धीरे वापस, क्योंकि और अभी काम आएगा। प्लेस द सेंटर ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, द लोअर बॉर्डर ऑफ द बैंडेज लाइंग जस्ट अबव द आईब्रो। ये आईब्रो इस तरह से, फिर ये इस तरह से रख लिया, फिर ये पीछे से जो मैंने टर्न करके दिखाया था आपको कि इसमें एक वाला तो ये वाली साइड तो इधर टर्न कर रहा है, और इसके नीचे से ये वाला टर्न यहां से घुमा दिया आपने, फिर ये टर्न जो आया इधर से ये देखो आगे आ गया, यहाँ पे आ गया, और यहां से फिर इसको टर्न करवा के इसके ऊपर से ये पीछे वाला टर्न फिर आ गया, तो ऐसा एक कैप बन जाएगा। तो जब ये एक कैप जैसी शेप बना ले दोस्तों, वर्षा थैंक यू डियर, थैंक यू वर्षा, तो बहुत पुरानी स्टूडेंट है बुगली की, है ना, वर्षा को तो मैंने कई बार देखा है, ठीक है, थैंक यू। तो देखिएगा, ये जो बैंडेजिंग पैटर्न होगा साथियों, ये बैंडेजिंग पैटर्न कहलाएगा कैपलिन और हेड बैंडेज। तो याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसे कहते हैं कैपलिन और हेड बैंडेज, ठीक है साथियों। देन ब्रिंग द हेड ऑफ द बैंडेज अराउंड ओवर द टेम्पल एंड अबो द ईयर्स ऑफ द नेप ऑफ द वेन द एंड आर क्रॉस, एंश्योर दैट द ईयर इज नॉट कवर्ड। याद रखना, ईयर्स के ऊपर इसको कवर नहीं करना है। ब्रिंग द अपर बैंडेज अराउंड द हेड and the other head of the bandage over the center of the top of the scalp and then to the root of the nose. Bring the bandage which circles the victim's head over the forehead, covering and fixing the bandage which crosses the scalp. This bandage is then brought back over the scalp. Ensure that, ये ज़्यादा आपको केवल मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़्यादा आपके लिए कोई important नहीं है। And Bhaskar dear, thank you Bhaskar, you're also Bhaskar, आप भी new लग रहे हो। आप रेगुलर अटेंड करते हो क्लासेस वगैरह या आज ही आए हो? राइट, और कहां से हो? पोस्ट करो आप अपना। देखिएगा, ये जो थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से बैंडेज अप्लाई होता है। एंश्योर दैट ईच टर्न ऑफ द बैंडेज कवर्स 2/3 ऑफ
द प्रीवियस टर्न। अब जब आप इस तरह का बैंडेजिंग अप्लाई करते हो, कैपलिन टाइप का बैंडेजिंग, तो इसमें हर जो टर्न होगा वो बैंडेजिंग कितना, नेक्स्ट टर्न जो होगा वो प्रीवियस टर्न को कितना कवर करता है दोस्तों, तो प्रीवियस टर्न को ये 2/3 कवर करते हुए आपको कैपलिन बैंडेज बनाना होता है, यानी एक कैप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है सिर के ऊपर, इसीलिए इस बैंडेज का नाम रखा गया साथियों कैपलिन बैंडेज। Adhere surely to the body part, head, or also stay the forms. Understand? Cross it again at the back and fix using the encircle bandage and turn back over the scalp to the opposite side of the central line. Now covering the other margin of its turn. Repeat the backward and forward turn to alternate the side of the center, each one being in the turn fixed by the encircling bandage until the whole scalp is covered. Clear hai guys? Then and the bandaging by taking two circular turns around the head. This will secure the टर्न ऑफ दी बैंडेज। फाइनली जो इसको हम कंप्लीट करेंगे वो हेड के घुमाते हुए दो सर्कुलर टर्न्स के द्वारा इसको कवर कर दिया जाएगा, टू सर्कुलर टर्न्स। सिक्योर इट विद द एडहेसिव टैप और सेफ्टी पिन ओवर द फॉरहेड, या तो एडहेसिव टैप से फाइनली इसको सिक्योर कर दीजिएगा या फिर सेफ्टी पिन के माध्यम से इसको सिक्योर कर दीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट बैंडेज करता हूँ, ईयर बैंडेज। दिस बैंडेज इज यूज टू सिक्योर द ड्रेसिंग ऑफ द ईयर। ईयर के ऊपर अगर ड्रेसिंग है तो उसको सिक्योर करने के पर्पज से हम करते हैं साथियों कौन सा, ईयर बैंडेज। ले द आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज अगेंस्ट द फॉरहेड, ले द आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज अगेंस्ट द फॉरहेड, ऐसे करके अगेंस्ट द फॉरहेड, आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज टू द फॉरहेड एंड कैरी द बैंडेज राउंड द हेड in the two circular turns, bandaging away from the injured head. तो देखिएगा दोस्तों, हम कह रहे हैं कि सबसे पहले किस तरह से हेड ईयर का जो बैंडेजिंग होता है वो होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये जो बैंडेज है ये बैंडेज का इनर सरफेस होता है या आउटर होता है, तो आउटर को कहाँ रखना है आपको, यहां पर हेड पर, हेड पर रख करके और फिर आपको दो बार इसे टर्न करना है, हेड पे रख के और दो बार सर्कुलर टर्न आपको करना है। तो दो सर्कुलर टर्न हो जाएंगे, ये लीजिएगा, दो सर्कुलर टर्न आपको कर देना है। इसके बाद अब जो टर्न होगा, ये पूरा टर्न हो गया, तो अब जो टर्न करेंगे हम वो काउंट कहां से होगा दोस्तों, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, छह टर्न टोटल हम करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्न किया हमने वो क्या किया, ले द आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज अगेंस्ट द फोरहेड एंड कैरी द बैंडेज राउंड द हेड इन टू सर्कुलर टर्न, बैंडेजिंग अवे फ्रॉम द इंजर्ड ईयर। अब जो ये ईयर है इस पे आप ले और इस पे लेते हुए इस तरह से टर्न करवाते हुए इधर से घुमा दीजिएगा इसको, ऐसे करके, ठीक है साथियों। तो ये जो बैंडेजिंग का पैटर्न बनेगा ऐसे करके, ऐसे करते हुए ये जो पैटर्न बैंडेजिंग का होगा ये कहलाता है, क्या कहलाएगा, ईयर का बैंडेजिंग, ईयर बैंडेजिंग इस तरह से आपको करना है। अंडरस्टैंड, ये ईयर की ड्रेसिंग को सिक्योर करने के पर्पज से किया जाने वाला बैंडेजिंग होगा। अंडरस्टैंड, और फाइनली इसको सिक्योर करने के लिए क्या करें, कैरी द बैंडेज राउंड द बैक ऑफ द हेड ऑन द अनअफेक्टेड साइड एंड देन डाउन द नेप ऑफ द नेक, इस तरह से यहां से करते हुए अनअफेक्टेड साइड में ले जाएं और फिर फाइनली नेक की तरफ, टोटल करीब छह बार आपको राउंड करना है, इस तरह से बैंडेजिंग होगा। क्लियर है? रिपीट द टर्न विद ईच टर्न बीइंग स्लाइटली हायर देन द प्रीवियस वन, ब्रिंग द बैंडेज स्लाइटली लोअर एज इट कवर द हेयर्स। नेक्स्ट, कंटिन्यू द टर्न अंटिल द होल ईयर on the affected side is covered and complete the bandage by two straight या circular turn around the forehead. Secure it with the adhesive tap, safety pin where all the turns cross one another. A special consideration. देखिए दोस्तों, the bandage can also be taken around the forehead with each turn, covering the dressing, but this make a heavy bulk around the head, which may not be रियली नेसेसरी। ध्यान रखना, कोई भी बैंडेजिंग आप कर रहे हो तो उसकी वजह से बॉडी के उस लिम्ब के ऊपर हैवी बल्क नहीं होना चाहिए, वो बैंडेज कहीं हैवी ना हो जाए, यानी बहुत सारा अननेसेसरी मटेरियल, अननेसेसरी बैंडेज आप बॉडी के किसी भी पार्ट पर अप्लाई नहीं करें,
इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो हम इसकी कह रहे हैं कि द बैंडेज कैन ऑल्सो बी टेकन अराउंड द फोरहेड विद ईच टर्न कवरिंग द ड्रेसिंग बट दिस मैक द हैवी बल्क। लेकिन ऐसा क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इससे बहुत ज्यादा बल्क कलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आई बैंडेज। तो वही ईयर का जैसा बैंडेज हमने सिखाया था, अब हम करेंगे आई बैंडेज। ले द आउटर सरफेस ऑफ द बैंडेज अगेंस्ट द फोरहेड। वहीं से शुरुआत होगी जहां से आपने ईयर के लिए बैंडेजिंग की स्टार्टिंग किया था। एंड टेक टू सर्कुलर टर्न अराउंड द हेड बैंडेजिंग अवे फ्रॉम द इंजर्ड आई। देन कैरी द बैंडेज राउंड द हेड अंटिल इट रिचेस द आई ऑन द अफेक्टेड साइड। टेक इट ऑब्लिक टू द बैक ऑफ द हेड अंडर द prominence on the back of the skull and from the ear bring it upward beneath the eye or affected side. Take it further over the pad of the eye to a circular turn and continue over the head of the straight point. Repeat this turn 2 or 3 times until the dressing is covered. फिनिश विद द सेफ्टी पिन जस्ट अबव द अनअफेक्टेड आईज। तो टोटली जो पैटर्न होगा इस बैंडेजिंग को अप्लाई करने का आई के ऊपर, वो उसी तरह का होता है दोस्तों जिस तरह का आपने अभी ईयर के लिए बैंडेजिंग किया था। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। अरे भाई बोलो। नेक्स्ट आप देखेंगे जॉ बैंडेजिंग। तो जॉ बैंडेजिंग नैरो स्ट्रिप ऑफ मटेरियल अबाउट लगभग 3.5 feet लॉन्ग और नैरो फोल्ड और अ ट्राइंगुलर बैंडेज कैन बी यूज्ड फॉर अ जो बैंडेज। तो दोस्तों जो बैंडेजिंग के लिए नैरो स्ट्रिप ऑफ द मटेरियल अबाउट 3.5 feet लॉन्ग और अ नैरो फोल्ड और अ ट्राइंगुलर बैंडेज कैन बी यूज्ड फॉर अ जो बैंडेज। प्लेस द बैंडेज अंडर द चिन विद 1 and longer। दोस्तों देखिएगा अब जॉ पर जो बैंडेज अप्लाई किया जाएगा तो कैसे अप्लाई करते हैं। यहां से बैंडेज लें, इस तरह से ऊपर आएगा स्टेन, इस तरह से एक साइड में आएगा और यहां से साइड में से दोनों को ऐसे रोटेट करवा करके एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा और फाइनली आप इसको ऐसे करके बांध देंगे। तो देखिएगा सूरज प्रजापति, थैंक यू डियर, यू आर ऑल्सो अ न्यू स्टूडेंट आई थिंक। सूरज कहां से हो आप? प्लीज पोस्ट योर एड्रेस एंड आर यू न्यू ऑन बुगली चैनल, और आप कब से बुगली देख रहे हैं और बुगली से आपको कितना बेनिफिट हुआ है, कितना लर्न हुआ है, ये सब जानकारी अभी आप कमेंट में लिखिएगा। आई वॉज रीड योर कमेंट्स। तो फ्रेंड्स हियर यू आर जस्ट सीइंग दैट कि आप इस तरह से ऊपर लेके गए और यहां तक लेके आए और ये लो जैसे कफन बांधते हैं ना। तो मैंने कहा कि यहां से बैंडेजिंग को ऐसे किया, अब एक साइड जो होगी वो यहां तक आएगी और दूसरा जो साइड है वो इधर से टर्न करके यहां तक आएगा, दोनों को क्रॉस करना, क्रॉस करके बांध दीजिएगा ऐसे करके। तो देखिएगा यहां से बैंडेजिंग ऐसे ऊपर आया, यहां तक आया, यहां से क्रॉस किया, क्रॉस करके दूसरी तरफ आपने नॉट लगा दिया, ये नॉट। ओके तो सतियों इस तरह से अप्लाई करना है आपको कहां पर? जो इंजरी के केस में। तो जो बैंडेज कैसे होता है एक बार फिर देख लीजिएगा। ये बैंडेज लेना है, यहां से इसको यहां तक लेके आओ, ये लो। अब ये वाला बैंडेज आएगा इधर से पूरा टर्न करके, तो पूरा टर्न करके और ये इधर तक लेके आना है, ठीक है सतियों। अब ये यहां से ऐसे टर्न करवाना है, तो ये जो बैंडेज होगा ये यहां से इधर से आएगा, ये इधर आ जाएगा अरविंद केजरीवाल की तरह और ये इधर से आ जाएगा, तो ये यहां से आ गया और ये यहां से आ गया, इस तरह से आपको बांध देना है। ये लीजिएगा, देख गया, ये देखिए हो गया पूरा। ये कहलाता है जॉ बैंडेजिंग, ऐसे अप्लाई करना होता है जॉ बैंडेजिंग। देख गया सबको, खोल देता हूं अब। मेरी तो तुम लोगों ने आज हालत खराब कर दी, पूरे बाल वाल सब बिगाड़ दिए मेरे, बैंडेज बंधवा बंधवा के बंधवा बंधवा के राइट हो गया। नेक्स्ट, कैरी द लोंगर एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर टू द टॉप ऑफ द हेड एंड अप टू द अपोजिट ईयर। टेक द शोर्टर एंड अबोव द ईयर, टाई द एंड अबोव द ईयर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों स्पाइका।
सरोजा थैंक यू डियर, थैंक यू। तुम तो पुरानी स्टूडेंट हो सरोजा, कई बार तुम्हारे बेस्ट कमेंट्स भी सिलेक्ट हुए हैं भोगली के कमेंट्स में, कमेंट ऑफ द डे में भी तुम्हारे कमेंट सिलेक्ट हुए हैं सरोजा। आई होप आई एम राइट ना, सही हूं ना मैं? प्लीज राइट हियर। स्पाइका, द स्पाइका इज अ फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट इन विच वन टर्न इज वेरी मच लार्जर देन द अदर। तो जो क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा वो देखना कहां तक का क्वेश्चन बनेगा। तो यहां से मैं कहूंगा कि देखना, अ फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ एट इन विच वन टर्न इज मच लार्जर देन द अदर, व्हाट इज योर आंसर? तो आपका आंसर होगा दोस्तों, इट इज स्पाइका, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। इट इज यूज्ड फॉर द जॉइंट एट द राइट एंगल टू द बॉडी, जैसे शोल्डर, ग्रोइन और थंब। स्पाइका कहां कहां अप्लाई किए जाते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, स्पाइका विल बी अप्लाइड ऑन द शोल्डर, ग्रोइन और थंब। दोस्तों ये आप देख रहे हैं शोल्डर स्पाइका, शोल्डर स्पाइका। तो जो स्पाइका है एक तरह का, वो भी फिगर एट बैंडेज है। क्या है दोस्तों? फिगर एट बैंडेज है, अंडरस्टैंड? देन अब हम कहते हैं ये जो ये शोल्डर स्पाइका है, देखिएगा शोल्डर स्पाइका। तो ये जो क्वेश्चन होगा बड़ा ही जानदार क्वेश्चन होता है ये एम्स के एग्जाम्स के अंदर, आने वाले एम्स में 2020 का जो एम्स होगा उसके अंदर आपसे ये पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा साथियों कि ये आइडेंटिफाई करके बताइएगा कि इस बैंडेजिंग पैटर्न को क्या कहते हैं। अभी जो टेस्ट होगा ना आज आपका, आज जो मैं आपका टेस्ट लूंगा वुगली ऐप पर, उसमें अराउंड मुझे 50 क्वेश्चंस देने पड़ेंगे। शाम तक आ पाएगा टेस्ट, याद रखना। और 50 क्वेश्चंस में ये सब क्वेश्चंस होंगे, इंक्लूड होंगे ये सब। ये वाला क्वेश्चन तो श्योर होगा। आपसे कहूंगा कि इस इमेज को देख करके आइडेंटिफाई करिएगा विच टाइप ऑफ द बैंडेजिंग पैटर्न। तो आपको कहना है सर दिस इज शोल्डर स्पाइका, ये शोल्डर स्पाइका है, ठीक है। देन टेक 3-4 इंच बैंडेज। आपको शोल्डर स्पाइका के लिए कितना बैंडेज करना है? 3-4 इंच बैंडेज लेकर के, एंड फिक्स इट विद द स्पाइरल टर्न अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द आर्म, आर्म के अपर पार्ट पे लगा दें। दोस्तों आप क्या करें, बैंडेज का 3-4 इंच लीजिएगा, 3-4 इंच लेकर के एक आर्म के ऊपर स्पाइरल टर्न लगाओ। पहले तो लगा दिया, तो आर्म पे स्पाइरल टर्न लगा करके टैक 2-3 रिवर्स स्पाइरल टर्न अराउंड द अपर आर्म। दो तो आपने क्या किया, जस्ट एंड फिक्स इट विद द स्पाइरल टर्न, स्पाइरल टर्न से फिक्स कर दिया। अंडरस्टैंड दोस्तों, सबसे पहला स्टेप। देन उसके बाद 3-4 इंच बैंडेज लिया आपने और स्पाइरल टर्न के द्वारा इसको फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद 2-3 रिवर्स स्पाइरल टर्न आपको देना है, रिवर्स स्पाइरल टर्न ऑन द अपर आर्म अंटिल द बैंडेज रिचेज द पॉइंट ऑफ द शोल्डर, जब तक कि बैंडेज शोल्डर पॉइंट तक ना पहुंच जाए। तो आपने क्या किया, स्टार्टिंग करने के लिए 3-4 इंच बैंडेज लिया और ये आर्म के ऊपर उसको कवर कर दिया। यहां कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, देन उसके बाद में 2-3 रिवर्स टर्न लगाने, रिवर्स टर्न 180 डिग्री पे घुमा करके दिखाया था मैंने, रिवर्स टर्न वाले बैंडेज पहले सिखा रखे ना। तो रिवर्स टर्न किया, रिवर्स टर्न करके तब तक आपको बैंडेजिंग करते रहना है जब तक कि वो पॉइंट कहां ना पहुंच जाए, शोल्डर तक बैंडेजिंग ना पहुंच जाए। कैरी द बैंडेज ओवर द शोल्डर अक्रॉस द बैक एंड अंडर द अपोजिट आर्म पेयर, देन ब्रिंग इट क्रॉस द चेस्ट, ब्रिंग इट क्रॉसेस द चेस्ट राउंड अंडर द आर्मपिट एंड ओवर द शोल्डर अगेन कवरिंग 2/3 ऑफ द प्रीवियस टर्न, 2/3 ऑफ प्रीवियस टर्न। रिपीट द टर्न अंटिल द होल शोल्डर इज कवर्ड, सिक्योर द बैंडेज यूजिंग अ पिन ओवर द इंजर्ड शोल्डर। तो ये था दोस्तों शोल्डर स्पाइका। थंब स्पाइका, प्लेस द हैंड सो दैट द बैक ऑफ द हैंड इज अपर मोस्ट, हैंड का जो बैक पार्ट है वो अपर मोस्ट, डॉर्सल साइड ऑफ द थंब अबो, थंब का डॉर्सल जो साइड होता है वो अबो होना चाहिए। अंडरस्टैंड गाइस? टेक 2 circular टर्न राउंड द रिस्ट एंड कैरी द बैंडेज ओवर द बैक ऑफ द थंब।
दोस्तों थंब स्पाइक का शुरू करने के लिए आपको स्टार्टिंग करना होता है रिस्ट से। रिस्ट के ऊपर सबसे पहले दो सर्कुलर राउंड लगाना होगा और फिर उसको कैरी करते हुए थंब तक लेके आना है। एंड सर्किल द थंब विद वन और टू स्ट्रेट टर्न सो दैट द लोअर बॉर्डर ऑफ द बैंडेज इज लेवल विद द रूप ऑफ द नेल। कैरी द बैंडेज बैक ओवर द बैक ऑफ द हैंड राउंड द रिस्ट एंड रिपीट द फिगर ऑफ द एट टर्न थंब फिगर ऑफ द एट टर्न द थंब। दोस्तों एंश्योर द बॉडी ऑफ द थंब इज कंप्लीटली कवर्ड एंड कंप्लीट द बैंडेज विद टू स्ट्रेट टर्न्स राउंड द रिस्ट एंड सिक्योर द विद पिन ऑफ स्ट्रेट टैप। देन है फिंगर बैंडेज विदाउट कवरिंग द फिंगर टिप। दोस्तों विद द हैंड pronated fix the bandage by two circular turn around the wrist। finger bandage करने के लिए भी आपको दो शुरुआत करनी होती है wrist से। wrist पे सबसे पहले आपको दो circular turns करना है Austin, और ये जो दिख रहा है आपको ये है finger bandage, fingers का bandage। carry the bandage oblique over the back of the hand to the base of the finger to the bandage। तो जो यहां पर आपको बैंडेजिंग का पैटर्न रखना है वो रखना होता है ऑब्लिकली। टैग द हेड ऑफ द रूल टू द फिंगर इन ऑर्डर स्टार्ट टू साइड ऑफ द लिटिल फिंगर टेक वन स्पाइरल टर्न टू द बेस ऑफ द फिंगर एंड देन कवर द फिंगर बाय स्पाइरल। देन कैरी द बैंडेज क्रॉस द बैक ऑफ द हेड ऑफ द रिस्ट एंड कंप्लीटली इट विद टू स्ट्रेट टर्न्स अराउंड द रिस्ट। सिक्योर द बैंडेज बाय सेफ्टी pin and adhesive tab. If more than one fingers is to be bandaged, take a turn round the wrist between each two fingers and continue as above until the bandage is complete. Then finger bandage to cover the fingertip. Repeat step 1-3 is mentioned in the above procedure. Finger bandage. Tag the bandage strat. चलिएगा ये useful नहीं है। स्पाइका ऑफ हिप स्पाइका देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैच बेस्ट क्वेश्चन। प्लेस द आउटसाइड ऑफ द बैंडेज ऑन द इनर साइड ऑफ द थाई अबाउट 6 inches बिलो द ग्रोइन। दोस्तों प्लेस द आउटसाइड ऑफ द बैंडेज, शुरुआत कैसे करना है आपको हिप स्पाइका के लिए। आउटसाइड ऑफ द बैंडेज ऑन द इनर साइड ऑफ द थाई, तो बैंडेज का आउटसाइड कहां से रखना है, थाई के इनर साइड से। तो यू नीड टू प्लेस द आउटसाइड ऑफ द बैंडेज ऑन द इनर साइड ऑफ द थाई। जैसे कि आप ये देखें दोनों ये थाईज हैं, तो बैंडेज का जो आउटर साइड होगा वो यहां से शुरुआत करना है थाई के इनर साइड से। अस्टिन और अबाउट 6 inches बिलो द ग्रोइन, ग्रोइन एरिया के 6 inches नीचे से। अस्टिन पहला क्वेश्चन, दूसरा IBQ क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला, सेकेंड ये वाला। Carry the bandage horizontal round the limb and make 3-4 ascending reverse spiral turn around the thigh. और फिर क्या करें, carry the bandage horizontal, bandage को आप horizontally पकड़ लें, then limb and make 3-4 ascending reverse spiral turn. Thigh के ऊपर आपको क्या करना है, 3-4 ऊपर की तरफ बढ़ते हुए रिवर्स स्पाइरल टर्न लगाना है। कैरी द बैंडेज फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल ओवर द फ्रंट ऑफ द ग्रोइन एंड अप अराउंड द हिप एंड बैक पासिंग ओवर द प्रोमिनेंस एंड हिप बोन ओवर द अपोजिट साइड। ब्रिंग द बैंडेज डाउन ओवर द एब्डोमेन टू द आउटर साइड ऑफ द थाई एंड रिपीट द फिगर ऑफ इट अराउंड द बॉडी and the thigh until the hip is covered. First place the spica of the groin bandage. Groin bandage पर spica कैसे apply करते हैं, तो place the outside of the bandage on the inner side of the thigh. Inner side of the thigh पर apply करें, then thigh पर आप क्या करेंगे, दो तीन reverse turn लगाएंगे, reverse spiral turn लगाएंगे देखिएगा, और फिर finally यहाँ से wrist के पीछे से इसको turn करके और इस तरह से घुमा दिया जाता है जैसा कि आप इसमें इमेज के अंदर देख रहे हैं। यहाँ पेशेंट ने पकड़ा हुआ है, यहाँ से एक टर्न किया, फिगर एट टर्न हुआ, फिगर एट टर्न होकर पीछे से आप घुमा करके इस तरह से इसको अप्लाई कर देंगे, ये देखिएगा।
तो ये जो बेंडाइजिंग का पैटर्न है दोस्तों, ये ग्रोइन का स्पाइका है, ग्रोइन स्पाइका। तो यहां से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इन दिस, पहला क्वेश्चन मैं इस ऐसे बनाऊंगा आईबीक्यू, पहला तो ये वाला बनाएंगे कि आइडेंटिफाई द गिवन फॉलोइंग पैटर्न ऑफ बैंडेजिंग, बैंडेजिंग के इस पैटर्न को पहचानिए। तो आपको कहेंगे कि साहब ये है ग्रोइन बैंडेज, स्पाइका ऑफ ग्रोइन बैंडेज। दूसरा आपसे कहेंगे कि या तो ये वाली इमेज देंगे और थर्ड आपको ये वाला इमेज देंगे, तीनों क्वेश्चन देंगे आपको। ओके, कैरी द बैंडेज हॉरिजॉन्टल, चलो ये थ्योरी में नहीं बोल रहा हूं, ये वही बात है, डबल स्पाइका ऑफ द ग्रोइन बैंडेज, डबल स्पाइका, ले द आउटर सर्फेस ऑफ द बैंडेज, दोनों तरफ स्पाइका लगाना है आपको, ओवर द राइट ग्रोइन एंड पास द बैंडेज राउंड द थाई कैरिंग इट अप ओवर द फ्रंट ऑफ द राइट ग्रोइन टू द लेफ्ट हिप। ठीक है, थ्योरी थ्योरी को मैं नहीं बोल रहा हूँ, थ्योरी वही सिमिलर है जो मैं पहले सिखा चुका हूँ दोस्तों आपको, तो उस थ्योरी को आप पढ़ लेना शांति से बाद में पॉज करके वीडियो को। तो सिमिलरिटी है वो ही सेम जो मैं स्टार्टिंग से सिखाता आ रहा हूं। ओके, देखिएगा स्टंप बैंडेज, स्टंप का बैंडेज कैसे करते हैं, यूज 4 इंच बैंडेज, स्टंप पर बैंडेज अप्लाई करने के लिए कौन सी कितनी विड्थ वाला बैंडेज अप्लाई करते हैं, 4 इंच वाला। मेक 2 सर्कुलर टर्न राउंड द लिंब अबो द स्टंप, स्टंप के ऊपर 2 सर्कुलर टर्न लगाने होंगे पहले, फर्स्ट, क्लियर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। प्लेस द एंड इन द सेंटर ऑफ द अपर साइड ऑफ द लिंब एंड कैरी द बैंडेज ओवर द सेंटर ऑफ द स्टंप टू द सेम लेवल बिहाइंड, होल्ड द टर्न एट द बैक एंड इन फ्रंट विद द थंब एंड फिंगर ऑफ द हेड, रिपीट द रिकरेंट टर्न। चलिएगा आगे बढ़ता हूं मैं, फुट एंड एंकल बैंडेज ये है दोस्तों, ओवरलैप द बैंडेज, मेक द फिगर एट टर्न और सर्कल द काफ, मेक 2 सर्कुलर टर्न राउंड द एंकल टू फिक्स द बैंडेज। फुट एंड एंकल पर ये भी फिगर एट बैंडेज का पैटर्न है, थ्योरी में नहीं बोल रहा हूं। हील बैंडेज दोस्तों ये है हील पर बैंडेज, कीप द फुट एट द राइट एंगल, ओके, स्टार्ट 2 सर्कुलर टर्न, और ये है डोनट बैंडेज, याद रखना काफी इंपॉर्टेंट नाम हो सकता है। द डोनट बैंडेज इज यूज टू पुट द प्रेशर अराउंड एन एम्पेल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट पुटिंग द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, डोनट बैंडेज इज यूज टू पुट द प्रेशर अराउंड एन द एम्पेल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट पुटिंग द प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। दोस्तों याद रखिएगा दिस type of bandaging is called as the donut bandaging. तो थैंक यू सो मच मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ही यूजफुल क्लास था और काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। क्लियर है दोस्तों, बड़ा जानदार क्लास था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास था। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, बुगली ऐप डाउनलोड करें, और बुगली ऐप का अगर रैंकिंग नहीं किया है आपने अभी भी तो प्लीज प्लीज गूगल प्ले स्टोर में जाइए और वहां गूगल प्ले स्टोर में बुगली ऐप को आज और अभी इसी वक्त प्ले स्टोर में जाकर के बुगली ऐप को 5 स्टार रेटिंग करिए और उसके साथ ही बुगली ऐप का एक बहुत अच्छा सा कमेंट आप प्लेस करिए, उससे हमारे एप्लीकेशन का जो रैंकिंग रैंकिंग है बुगली का वो प्ले स्टोर में ऊपर आएगा और उससे आपको और हमें सबको इजीली वो एप्लीकेशन मिल जाएगा। कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो उसे, ये आपका अपना बुगली चैनल है, संभालिएगा, सपोर्ट करिए, शेयर करिए और बने रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और नर्सिंग ऑफिसर बनते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।